ट्रस्ट इस देश में शुरू हुआ है अभियान के रूप में। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी उसके अध्यक्ष हैं, आचार्य श्री बालकृष्ण जी उसके महामंत्री हैं, मैं उसका सचिव हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ। ये अभियान 5 जनवरी 2009 से शुरू हुआ है और सारे देश में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। अभियान शुरू हुए मात्र 6 महीने हुए हैं, लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे इस अभियान में सदस्य हो चुके हैं। अगले 6 महीने में 11.5 लाख से ज़्यादा सदस्य हो जाएंगे, ऐसा विश्वास है, और अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हमारे होंगे, इसकी पूरी संभावना है। सारे देश में ये अभियान हमने क्यों शुरू किया? आज़ादी मिले हुए 62 साल हो गए, अब इस अभियान की ज़रूरत क्या? इस देश में ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई हैं कि हमको ये अभियान करना पड़ रहा है? परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी का काम तो योग और प्राणायाम सिखाने का था, फिर उन्होंने ये काम एक और क्यों शुरू कर दिया है? क्या ऐसी आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, क्या मजबूरी है, कौन सी ऐसी इमरजेंसी है इस देश में जो ये सब करना पड़ रहा है? ये कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर देने की इस व्याख्यान में मैं कोशिश करूंगा, और मेरे व्याख्यान के बाद अगर आप कोई प्रश्न करना चाहेंगे तो उसके भी उत्तर दूंगा। अपने देश को आज़ादी मिले 62 साल हो गए। 62 साल की आज़ादी के बाद भारत को अगर हम देखें तो कैसा भारत हमें दिखाई देता है, इसका पिछले कुछ वर्षों से मैं अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत कैसा है आज़ादी के 62 साल के बाद अगर आप देखना चाहें तो आप भी देखें। हमारे देश की सरकार हर 10 वर्ष में पूरे देश का एक सर्वेक्षण कराती है, उसको हम जनगणना कहते हैं। इसमें बहुत सारी बातें पता चलती है। बीच बीच में सरकार कमीशन बनाती है, कुछ आयोग बिठाती है, वो अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं और उनकी तरफ से कुछ जानकारियां आती हैं। ऐसा ही अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने कमीशन बनाया था। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री को एक जिम्मेदारी दी थी कि भारत की आर्थिक स्थिति का परीक्षण करें और विश्लेषण करें और पता करें कि आज़ादी के 62 साल में हम कहाँ पहुँचे। शायद प्रधानमंत्री ने ये सोचकर ये जिम्मेदारी दी होगी कि कुछ अच्छे परिणाम उसमें से आएंगे, कुछ अच्छे डेटा मिलेंगे, कुछ लोगों को जानकारी देने लायक सरकार के पास कुछ होगा, तो कमीशन बना दिया। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता को उसका अध्यक्ष बना दिया, उनके सहयोग के लिए दूसरे अर्थशास्त्रियों को लगा दिया। इन अर्थशास्त्रियों की टीम ने 5 साल तक काम किया। 5 साल काम करके एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट का नाम है अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट। वो रिपोर्ट हमारी संसद में जब आई तो सबके होश उड़ गए, प्रधानमंत्री के होश उड़ गए, वित्त मंत्री की हालत खराब हो गई। हमारी सरकार में पिछले 15-20 वर्षों में या 25 वर्षों में जो जो प्रधानमंत्री हुए हैं और जीवित हैं, सबकी हालत खराब हो गई। सबके सामने उस रिपोर्ट ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जिसका जवाब किसी के पास नहीं। इस देश में कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो भूतपूर्व हैं लेकिन जीवित हैं, जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे श्री इंद्र कुमार गुजराल, जैसे श्री देवेगौड़ा, HD देवेगौड़ा, जैसे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। इसी तरह कुछ प्रधानमंत्री, कुछ वित्त मंत्री इस देश में जीवित हैं जिन्होंने कई बार बजट बनाए हैं, पंचवार्षिक योजनाओं को इस देश में लागू किया है। हमारे देश में 5-ईयर प्लान बनाने वाला एक बहुत बड़ा विभाग है जिसको योजना विभाग कहते हैं, उसके बहुत सारे उपाध्यक्ष अभी भी जीवित हैं जिन्होंने कई बार, दो दो बार, तीन तीन बार पंचवार्षिक योजनाएं बनाई हैं। उन सबके सामने इस रिपोर्ट ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है।
प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि आज़ादी के 62 साल के बाद इस देश की आबादी करीब 115 करोड़ है, और इस 115 करोड़ की आबादी में 84 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में रहते हैं, और उनकी गरीबी इतनी भयंकर है जो किसी को सुनने में भी बर्दाश्त नहीं होती। रिपोर्ट कहती है कि आज़ादी के 62 साल के बाद 84 करोड़ लोगों की गरीबी इतनी दारुण स्थिति में है, इतनी ख़राब स्थिति में है कि एक व्यक्ति को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है। इतनी हालत ख़राब है 84 करोड़ लोगों की। अब 84 करोड़ लोग इस देश में हैं जो एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते। उसी रिपोर्ट में और विस्तार से कहा गया है कि इन 84 करोड़ लोगों को और ज़्यादा बंटवारा किया जाए तो 20 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो एक दिन में 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। 15 से 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 9 रुपए नहीं खर्च कर सकते। करीब 8 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 2.5 से 3 रुपए खर्च नहीं कर सकते। बहुत लंबी रिपोर्ट है। रिपोर्ट इस देश के योजनाकारों पर, प्रधानमंत्रियों पर, वित्त मंत्रियों पर एक करारा तमाचा है कि आज़ादी के 62 साल के बाद भी 84 करोड़ लोगों की गरीबी ठीक नहीं हो पाती। अब हम जरा इस रिपोर्ट की तुलना करें आज़ादी के समय से। ये रिपोर्ट तो अभी 2009 के आसपास की है, अभी ये पूरे देश के सामने आ रही है, संसद में बहस हो रही है। 2009 से थोड़ा पीछे चलें, 1951 में जब सरकार ने आज़ादी पाने के बाद पहली बार देश का सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि उस समय 4 करोड़ लोग गरीब थे, 34 करोड़ की आबादी थी, 4 करोड़ लोग गरीब थे। अब 1951 में हमारे देश में 4 करोड़ लोग गरीब थे, 34 करोड़ की आबादी थी। अब 2009 में 84 करोड़ लोग गरीब हैं और 115 करोड़ की आबादी है। जरा रेशियो निकालने की कोशिश करें। हमारे देश में ये कहा जाता है और सारी दुनिया में ये माना जाता है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है। एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हुआ दुनिया में, यूरोपियन था, वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट था, उसका नाम था जेके माल्थस। उसकी एक थ्योरी है, माल्थस थ्योरी। वो ये कहता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही वैसे गरीबी बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही वैसे बेरोजगारी बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही भुखमरी बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है संसाधनों पर दबाव पड़ता है और संसाधनों का बंटवारा शुरू होता है, और बहुत कम संसाधन ज़्यादा आबादी के काम में लाने की व्यवस्था बनानी पड़ती है, वगैरह वगैरह। लंबी बात है। हम इस बात को जरा फिट करके देखें हमारे देश की स्थिति में कि जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है। तो देखें जनसंख्या कितनी बढ़ी। हम 34 करोड़ थे 1951 में, अब हम 115 करोड़ हो गए, लगभग 3 गुनी जनसंख्या हमारी बढ़ गई, या कहें तो 3.5 गुनी बढ़ गई। तो 3.5 गुनी हमारी जनसंख्या बढ़ गई तो गरीबी कितनी बढ़नी चाहिए, लगभग 3.5 गुनी। तो 4 करोड़ हम गरीब थे तो 12-15 करोड़ होना चाहिए, गरीबी तो 84 करोड़ की हो गई। मतलब क्या है, जनसंख्या तो 3.5 गुनी बढ़ी, गरीबी तो 21 गुनी बढ़ गई। यहां तो माल्थस भी फेल हो गया। उसी रिपोर्ट में बेरोजगारों की बात कही गई है। हमारे देश में बेरोजगारों की स्थिति क्या है, प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 20 करोड़ लोग पूर्ण बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनको तत्काल कुछ ना कुछ काम की जरूरत है, ऐसे 20 करोड़ लोग हैं। इनमें ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं, मैट्रिकुलेशन पास किए हुए हैं, 20 करोड़ लोग हैं, काम चाहिए उनको।
और वही रिपोर्ट कहती है कि 40 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको साल में 2-3 महीने काम मिल जाता है, उनको कहा गया है वो आंशिक बेरोजगार हैं, अर्ध बेरोजगार हैं। एक तो पूर्ण बेरोजगार हैं जिनको कोई काम नहीं, 20 करोड़। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ काम पा जाते हैं एक साल में, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। ये कौन लोग हैं? खेत में काम करने वाले मजदूर, जब खेत में गेहूं की कटाई का सीजन आता है तो उनको कटाई का काम मिल जाता है, जब कभी गन्ने की फसल तैयार हो जाती है तो गन्ना काट लेते हैं, जब कभी कपास की फसल तैयार हो जाती है तो कपास चुन लेते हैं। हमारे देश के कुछ किसानों के पास मजदूरी की ज़रूरत होती है तो उनके खेत में सब्जियां वगैरह होती हैं तो उनको तोड़ लेते हैं। तो ये काम साल में महीने, 2 महीने 3 महीने मिल जाता है। कभी कभी हमारे देश में कुछ सड़कें बनती हैं तो सड़कों पर मिट्टी डाल लेते हैं, कभी कभी हमारे देश में सरकार तालाब खुदवाती है तो तालाबों की मिट्टी खोद के निकाल देते हैं, कभी कभी नदियों की सिल्ट को निकालने का काम चलता है तो वो काम मिल जाता है, और कहीं कुछ नहीं मिलता तो ये लोगों में से कुछ लोग ईंट बनाने वाले भट्टों पे साल में 2-3 महीने 4 महीने काम कर लेते हैं, और कहीं कुछ नहीं होता है तो शहर में आके रिक्शा चला लेते हैं, शहर में आके ठेला लगा लेते हैं, फुटपाथ पर कुछ सामान बेच लेते हैं। ऐसे 40 करोड़ लोग हैं। रिपोर्ट कहती है कि इनको पूरे साल काम नहीं मिलता, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, बहुत अधिक तो 4 महीना काम मिल जाता है। इसमें वो 5 करोड़ लोग भी शामिल हैं जिनको सरकार ने मिनिमम रोजगार गारंटी योजना के तहत 3 महीने का काम दिया हुआ है, 100 रुपये रोज के हिसाब से, वो भी इसमें शामिल हैं 5 करोड़ लोग। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये 40 करोड़ लोगों को भी रोजगार की तो जरूरत है, उनको भी काम की तो जरूरत है, और एक ऐसा काम जैसे आप करते हैं। आपकी नौकरी तो परमानेंट है, उनकी तो कुछ भी परमानेंट नहीं। तो 40 करोड़ अर्ध बेरोजगार हैं, 20 करोड़ पूर्ण बेरोजगार हैं, ऐसे 60 करोड़ लोग। थोड़ा आगे बढ़ें, आप सारणी में यहाँ ताप विद्युत घर में काम करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में काम करते हैं, आपके पड़ोस में वेस्टर्न कोल फील्ड है, आप WCL में काम करते हैं, ऐसे काम करने वाले लोगों को परमानेंट एम्प्लॉई कहा जाता है। वो इस देश में मात्र 2 करोड़ हैं पूरे भारत में, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। पहले ये 2 करोड़ 40 लाख थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में 40 लाख को सरकार ने एक एक करके निकाल बाहर किया, किसी को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया, किसी को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया, ऐसे 40 लाख लोगों की नौकरी तो खत्म हो गई। दोबारा वो नौकरी शुरू होगी इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। अब सरकार का ये कहना है कि 10 आदमी का काम 6 आदमी से कराओ, 6 आदमी का काम 2 आदमी से कराओ, लगे तो तनख्वाह ज्यादा दे दो, आदमी मत बढ़ाओ, ये पॉलिसी है सरकार की। तो पहले हमारे देश में 2 करोड़ 40 लाख लोग थे जिनको परमानेंट जॉब था, वो एक बार भर्ती हुए तो कम से कम 40 साल नौकरी करने के बाद ही रिटायर होंगे, माने 40 साल तो जिंदगी सुरक्षित है, और वो 40 साल के बाद भी सुरक्षित है क्योंकि उनको कुछ ना कुछ पेंशन मिलेगी, उनका पेंशन के साथ DA भी होगा और दूसरे इमोल्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अब वो 2 करोड़ 40 लाख में भी 2 करोड़ रह गए हैं, 40 लाख नौकरी खत्म हो चुकी हैं पिछले 12 साल में, तो 2 करोड़ लोग परमानेंट एम्प्लॉई हैं। इनमें से 15 लाख हैं वो बैंकों में काम करते हैं। हमारे देश की करीब 40-45 राष्ट्रीय बैंकें हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है वगैरह वगैरह, इनमें 15 लाख हैं। फिर लगभग 17 लाख हैं जो रेलवे में काम करते हैं, फिर करीब 12 लाख हैं जो LIC, GIC और इंश्योरेंस कंपनियों में काम करते हैं, फिर कुछ 35 से 40 लाख हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं। आप जानते हैं हमारे देश में करीब 240 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है वगैरह वगैरह, तो उनमें काम करते हैं। तो ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, इनमें कुछ MP हैं, कुछ MLA हैं, उनको भी मैंने इसी कैटेगरी में डाल रखा है,
क्योंकि एक एमपी एक बार संसद में घुस गया तो परमानेंट ही हो जाता है वो, भले वो एक दिन भी संसद ना जाए, जिंदगी भर की पेंशन उसकी फिक्स हो जाती है, और पेंशन के साथ टीएडीए फिक्स हो जाता है, एचआरए फिक्स हो जाता है, और ट्रेवलिंग अलाउंस उनका इतना ज़बरदस्त है जो किसी का नहीं है। तो एमपीज को डाल रखा है, एमएलएस को डाल रखा है, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब ये 2 करोड़ में शामिल हैं। माने 2 करोड़ लोगों की जिंदगी तो बल्ले बल्ले है। हाँ, उनकी जिंदगी में बल्ले बल्ले क्या है, हर 4-5 साल में उनको एक पे कमीशन मिल जाता है, कभी 5th पे कमीशन मिल जाता है, कभी 6th पे कमीशन मिल जाता है, अभी थोड़े दिन में 7th पे कमीशन मिल जाएगा, एक 4th पे कमीशन मिल गया, एक 3rd पे कमीशन मिल गया, और उनकी तनख्वाहें इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे मुद्रा स्फीति बढ़ती है, उनके टीएडीए बढ़ते रहते हैं, उनके एचआरए बढ़ते रहते हैं, उनके पर्क्स बढ़ते रहते हैं, इमोल्यूमेंट्स बढ़ते रहते हैं, अलाउंसेस बढ़ते रहते हैं, माने वो बल्ले बल्ले हैं। मतलब सीधा सा कहने का ये है कि 115 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 करोड़ भारतवासी हैं जो मजे से जिंदगी बिता सकते हैं। वो 2 करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जो चाहें तो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा सकते हैं, चाहें तो एमबीबीएस में एडमिशन दिलवा सकते हैं, चाहें तो कंप्यूटर एजुकेशन दे सकते हैं, चाहें तो उनको साइंटिस्ट बना सकते हैं, जो चाहें वो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, उनको चाहें तो अमेरिका भेज सकते हैं, उनको चाहें तो यूरोप भेज सकते हैं, उनके सब कुछ एक्सेस में है, उनके सब कुछ रीच में है, पहुँच में है, ऐसे 2 करोड़ लोग हैं। तो 2 करोड़ लोगों की जिंदगी तो इस देश में सुख के साथ बीतती है, रात को सोते हैं, सवेरे उठते हैं, उनके जीवन में कई तरह के सुख हैं, लेकिन उनको दूसरे तरह के दुख हैं, उनकी बात मैं नहीं करना चाहता। मैं कहना ये चाहता हूं कि 115 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ भारतवासी हैं जो इस देश के नागरिक की हैसियत से जीवन बिताते हैं। एक सिटीजन होता है ना नागरिक किसी भी देश का, तो हम उसको नागरिक कब कहते हैं, जब उस देश की सारी सुविधाएं उसको मिले, बिजली मिले, पानी मिले, हॉस्पिटैलिटी उसको मिले, एजुकेशन उसको मिले, जरूरत पड़ने पर रेल मिले, हवाई जहाज मिले, जरूरत पड़ने पर उसके बच्चों को एडमिशन मिले, ये सारी सुविधाएं जिसको उपलब्ध हो जाएं, उसको कहा जाता है सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता। तो 2 करोड़ लोगों को तो नागरिकता मिली हुई है इस देश में, बाकी 113 करोड़ का क्या, ये है मूल सवाल। आजादी के 62 साल में ये 2 करोड़ लोगों का जो वर्ग है, ये तो बहुत विकसित हुआ है और सब तरह की सुविधाएं इनको मिल गई हैं, लेकिन 113 करोड़ लोगों का क्या, उनमें से 84 करोड़ लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है, उनका क्या, ये गंभीर प्रश्न है। और इससे ज्यादा एक गंभीर प्रश्न है, हमारे देश में ये जो 2 करोड़ लोग हैं ना, इनमें कुछ 72 लोग हैं, उनके भी नाम बताना चाहता हूं। 72 लोग शीर्ष पर बैठे हुए, उनमें से एक अनिल अंबानी है, एक मुकेश अंबानी है। ये दोनों की हैसियत ऐसी है कि उनकी पत्नी का अगर जन्मदिन आ जाए तो 240 करोड़ का प्लेन गिफ्ट कर सकते हैं, इस हैसियत के लोग हैं, इसी देश में रहते। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की एक दिन मैंने इनकम कैलकुलेट की, रिलायंस कंपनी के जो बंटवारे हुए दोनों कंपनियों के डेटा इकट्ठे करके मैंने कैलकुलेशन किया, तो मुकेश अंबानी की 1 मिनट की आमदनी 20,000 रुपए है, 1 मिनट की आमदनी, 1 मिनट इनकम। मुकेश अंबानी की जिंदगी का 1 मिनट बीतता है तो 20,000 रुपए की कमाई हो जाती है उसको, 2 मिनट बीतता है तो 40,000 की कमाई हो जाती है, 3 मिनट बीतता है तो 60,000 की कमाई हो जाती है। अंदाजा लगा लीजिए 1 घंटे में कितनी कमाई होती है, और 1 दिन में कितनी कमाई होती है, और 1 महीने में कितनी कमाई होती है, और 1 साल में कितनी कमाई होती है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, फिर इसी तरह से जमशेद जी टाटा के परिवार में
रतन टाटा हैं, फिर कुमार मंगलम बिरला हैं, फिर वाडिया खानदान के लोग हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे 72 एम्पायर हैं इस देश में। इनमें से एक एक एम्पायर के मालिक का एक मिनट में एवरेज इनकम 20,000, 22,000, 25,000, 18,000, 19,000 ऐसा है। तो ये 72 लोगों का एक भारत है, 2 करोड़ लोगों का दूसरा भारत है, और 84 करोड़ लोगों का तीसरा भारत है। अगर इसका बंटवारा किया जाए तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये 72 लोगों का और 2 करोड़ लोगों का तो इंडिया है, और बाकी 84 करोड़ का या 113 करोड़ का तो दलदल में फंसा हुआ भारत है। ये 2 करोड़ लोग तो हमारे देश में विकास के टापू हैं, डेवलपमेंट के मॉडल हैं, या समृद्धि के टापू हैं। बाकी पूरा हिंदुस्तान गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। आजादी के 62 साल के बाद देश की ये तस्वीर है। आजादी के पहले भी तस्वीर लगभग ऐसी ही थी। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूं। हमारी संसद में एक सांसद हुआ करते थे, उनका नाम था आचार्य राम मनोहर लोहिया। अब वो जीवित नहीं है, लेकिन बहुत तेजस्वी, तपस्वी और बहुत प्रखर सांसद हुआ करते थे। पंडित नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, लोहिया जी उनके अपोजिशन में बैठा करते थे। लोहिया जी जब भाषण दिया करते थे संसद में तो नेहरू जी की बोलती बंद हो जाती थी, नेहरू जी के पास जवाब नहीं होता था देने के। ऐसे सवाल करते थे कि प्रधानमंत्री परेशान हो जाए। एक बार नेहरू जी संसद में भाषण दे रहे थे, लोहिया जी बैठकर सुन रहे थे। नेहरू जी ने कहा कि हमारी जो पंचवार्षिक योजनाएं हैं, पंचशाला माने 5 साल वाली माने 5-year plan, इसने भारत का बड़ा विकास कर दिया है। आप जानते हैं नेहरू जी 17 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे, 3 उन्होंने 5 साला योजनाएं बनाई, 3 5-year plan बनाए। तो 3rd 5-year plan के बारे में चर्चा कर रहे थे, और ये घटना उनकी मृत्यु से लगभग 2-2.5 साल पहले की है। कहने लगे कि मेरी पंचवार्षिक योजनाओं ने बड़ा देश का लाभ किया है, गरीबी खत्म हुई है, बेकारी कम हुई है। तो लोहिया जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा नेहरू पंडित, वो नेहरू पंडित बोलते थे, पंडित नेहरू नहीं बोलते थे, नेहरू पंडित बोलते थे। अब उनका था बात करने का तरीका, तो उन्होंने कहा नेहरू पंडित, ये जो आप बोल रहे हो कि आपकी 5 साला योजनाओं से गरीबी खत्म हुई है, मेरे एक सवाल का जवाब आप दो कि भारत के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी कितनी है। तो नेहरू जी ने कहा ये तो नहीं निकाला है, तो निकाल के बताओ। तो नेहरू जी ने कहा पूरे देश का सर्वे कराना पड़ेगा, तो करवा लो, सवाल तो चाहिए, जवाब तो चाहिए। अब संसद का नियम ऐसा है कि सांसद कोई सवाल पूछे तो प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने बाद, 2 महीने बाद देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हर सांसद का विशेष अधिकार है प्रश्न पूछने का। लोहिया जी ने सवाल पूछ लिया, नेहरू जी ने पूरी टीम लगाई और कहा निकालो देश के गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी क्या। तो टीम ने 4-4.5 महीने की मेहनत के बाद पूरे देश के सामने एक आंकड़ा बताया कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है। आना तो आप समझते हैं, 16 आने का 1 रुपया होता है, तो 2.5 आना है, माने 1 रुपये का कितना नीचे का हिस्सा आप अंदाजा लगा सकते। तो नेहरू जी ने जब ये जवाब दिया तो लोहिया जी उनकी तरफ देख रहे थे, कह रहे थे फिर तुम क्या बात कर रहे हो, पंचवार्षिक योजनाएं तुम्हारी लाभ कर रही हैं देश को, कैसे मान लें जब गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है, तो कैसे कहें कि पंचवार्षिक योजनाओं से गरीबों का लाभ हो रहा है। तो नेहरू जी चुप हो गए। तो लोहिया जी ने कहा कि तुम्हारी योजनाओं से गरीबों का कोई लाभ नहीं हो रहा है, जो अमीर हैं वो और अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीबों का कोई लाभ नहीं हो रहा है। और तब उन्होंने नेहरू जी को चेतावनी दी थी कि आप विकास की योजनाओं के केंद्र को बदलिए,
गांव के सबसे अंतिम किसान को केंद्र में लाइए योजनाओं के, और फिर से डिजाइन करिए आपकी पंचवार्षिक योजनाओं की। उसके बाद क्या हुआ, नेहरू जी की मृत्यु हो गई, वो दोबारा कुछ हो नहीं पाया, और लोहिया जी भी पार्लियामेंट से बाहर हो गए, और वो बात वहीं की वहीं दबी रह गई। अब इस बात को 2009 में मैं क्यों याद कर रहा हूँ, मैंने एक हिसाब निकाला कि 1970 के दशक में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी जो 2.5 आना थी, अब हिंदुस्तान में 2009 में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 20 रुपए हुई है, तो वो 2.5 आने के ही बराबर है। आप कहेंगे वो कैसे, वो ऐसे कि 1970 के दशक में रुपए की जो क्रय शक्ति थी, जो परचेजिंग कैपेसिटी थी, वो अभी गिरते गिरते इतने नीचे आ गई है, और रुपए का इतना अवमूल्यन हो गया है कि 70 के दशक का 2.5 आना अब हिंदुस्तान में 1 रुपए के बराबर है। बात वहीं की वहीं है, अब 20 रुपए हो गई है क्योंकि इन्फ्लेशन उसमें जुड़ गया है, लेकिन रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी घट गई है, तो आमदनी उतनी ही है जो लोहिया जी के जमाने में थी। इसका मतलब क्या है, हम भारत के गरीबों का विकास नहीं कर पाए, वो जहां खड़े थे वहीं हैं, शायद उससे बदतर स्थिति में पहुंचे। और बेरोजगारों की भी बात हम नहीं कर पाए, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को रोजगार दे देना बिल्कुल अलग बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार पैदा करना वो सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी अर्थव्यवस्था। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ हजार लोगों को काम मिल ही जाएगा, क्योंकि तो वो झक मार के मिल नहीं है, उसके अलावा और रास्ता ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका हजारों करोड़ का है। आप पब्लिक सेक्टर में हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं लोगों के टैक्स के पैसे में से, तो उसमें से कुछ हजार लोगों को रोजगार मिल ही जाता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। प्रश्न तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, असंगठित क्षेत्र का है, जहां पर लोगों को काम नहीं मिलता, और काम दिलवाना सबसे बड़ी चुनौती है। भारत सरकार इसमें फेल हो गई है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट जब संसद में आई तो मैंने कुछ सांसदों को सवाल लिख के दिए, मैं तो एमपी नहीं हूं, सवाल पूछ नहीं सकता, लेकिन जो एमपी हैं उनको लिख के दिया कि आप पूछो सरकार से, और ये पूछो कि आखिर पिछले 62 साल में सरकार ने किया क्या, फिर जो गरीबी वैसी की वैसी है और ज्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी और बढ़ी है, क्या किया सरकार ने 62 साल। पूछा सवाल तो जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री एक ही बात कह रहे हैं, जी हमने तो 62 साल में 11 पंचवार्षिक योजनाएं चला दी, अब उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा तो क्या करें, तो गया कहां फिर वो लाभ। आपको मालूम है एक पंचवार्षिक योजना 10 लाख करोड़ रुपए की होती है एक, और 11 योजनाएं लागू हो चुकी हैं, तो कम से कम 110 लाख करोड़ का खर्चा तो हो ही चुका है। 110 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। एक दिन मैंने सोचा कि ये 110 लाख करोड़ का अगर सोना खरीद लिया जाता और इस हिंदुस्तान की सड़कों पे बिछा दिया जाता तो 6,38,365 गांव की एक एक सड़क सोने से बन गई होती, इतनी बड़ी रकम है 110 लाख करोड़ की। इसके अलावा भी रकम खर्च होती है, हर साल बजट आता है, आप जानते हैं बजट में सरकार खर्च करती है, और सरकार कहती है कि जो नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर है वो तो विकास में नहीं है, लेकिन प्लैंड एक्सपेंडिचर तो विकास में जाता ही है ना। इस साल के बजट में 3 लाख करोड़ का प्लैंड एक्सपेंडिचर है, पिछले साल में 2.5 लाख करोड़ था, और पिछले 62 साल में एवरेज 1 लाख करोड़ निकाल दें तो 62 लाख करोड़ तो खर्च हो ही चुका है प्लैंड एक्सपेंडिचर के रूप में। 110 लाख करोड़ पंचवार्षिक में खर्च हुआ, 62 लाख करोड़ बजट में आ गया, तो लगभग हमने 180 लाख करोड़ तक तो खर्च कर ही दिया है, फिर गरीबी क्यों, फिर बेरोजगारी क्यों, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी रकम है, इतनी रकम में तो पूरे हिंदुस्तान को सोने का देश बनाया जा सकता है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि अगर सरकार नहीं होती
थोड़ी देर के लिए। हालांकि ये यूटोपियन बात है, हो ही नहीं सकती ऐसी बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि सरकार ही नहीं होती और ये 180 लाख करोड़ हमने लोगों में बांट दिया होता, ले लो भाई जिसको जितना मर्जी है ले लो, या एक एक व्यक्ति के हिसाब से पर कैपिटा कैलकुलेशन करके बांट दिया होता, तो हर हिंदुस्तानी कम से कम करोड़पति तो हो ही गया होता, कम से कम करोड़पति हो गया होता। भुखमरी में तो नहीं मरता, ज्यादा खाके मरता वो अलग बात है, भूख से तो नहीं मरता। तो बात बिल्कुल साफ है कि हमने योजनाएं बनाई, पैसे खर्च किए, वो पैसे आपने टैक्स के रूप में सरकार को दिए, भगवान ने नहीं दिए, किसी पड़ोसी देश ने नहीं दिए, आपके खून पसीने की कमाई से सरकार ने टैक्स लिया और आपके टैक्स के पैसे का इतना सारा खर्च किया, फिर उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला, तो हुआ क्या? ये गया कहां पैसा? विकास नहीं हुआ तो कहां गया? इसका उत्तर हमारे देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया है, जिसको कभी भूलना मत आप। एक प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी, उन्होंने इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जब विकास के लिए मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं किसी अंतिम आदमी के लिए, तो उस अंतिम आदमी तक 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा कहां जाता है? तो श्री राजीव गांधी ने कहा वो लीकेज हो जाता है, बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया, लीकेज हो जाता है। अब आप कहेंगे जी ये लीकेज क्या बला है? सीधा सा मतलब है नेता और अधिकारी खा जाते हैं उसको, सीधा सा मतलब ये भ्रष्टाचार में चला जाता है। अब ये बात राजीव गांधी ने कही थी 1984 में, जब उनकी मां की मृत्यु होने के बाद वो संसद में प्रधानमंत्री बनकर आए थे और बड़े ईमानदार थे वो उस समय, मिस्टर क्लीन कहा जाता था उनको, और उनकी ईमानदारी पर और श्रीमती गांधी के मरने पर लोगों ने ऐसा भाव उड़ेल दिया था कि संसद में 435 सीट लेकर पहली बार कोई प्रधानमंत्री जीत के आया था, इतनी सीट तो कभी उनके नाना को भी नहीं मिली, पंडित नेहरू भी इतनी मेजोरिटी से कभी नहीं जीत के आए, जबकि नेहरू जी का एक करिश्मा हुआ करता था इस देश में, ये देश कहता था नेहरू इज इंडिया, इंडिया इज नेहरू, उस समय भी कभी 435 सीट उनको नहीं मिली, राजीव गांधी को मिली, लोगों ने उनमें भरोसा दिखाया था। उन्होंने संसद में ईमानदारी से ये कहा था कि विकास के एक रुपए के खर्चे में 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा लीकेज में जाता है, माने भ्रष्टाचार में घूसखोरी में जाता है। अब ये 84 में कहा, अब 2009 आ गया, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि राजीव गांधी के जमाने में तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री हुआ करती थी, अब तो भ्रष्टाचार का महासागर है, और राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी ने यह स्वीकार किया है अभी थोड़े दिन पहले कि विकास के लिए जो एक रुपया भेजा जाता है उसमें 10 पैसा भी नहीं पहुंचता। राहुल गांधी का कहना है कि शायद 7-8 पैसे भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है, हो सकता है इसका ठीक से रेक्टिफिकेशन हो तो 5 पैसा ही निकले। इसका मतलब बहुत साफ है कि विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बन तो रही हैं इस देश में, लेकिन उसका फायदा आम आदमी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लीकेज है सिस्टम में, क्योंकि करप्शन है, क्योंकि घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है, और अगर कहें तो डकैती है, लूटखोरी है, लूट लेते हैं इस पूरे धन को। कौन लूटते हैं? हमारे नेता, हमारे अधिकारी। और इस विषय पर जब हमारा ध्यान गया अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट आने के बाद, खोजना शुरू किया कि आखिर जा कहां रहा है पैसा, तो पता चला नेताओं की जेब में जा रहा है, अधिकारियों की जेब में जा रहा है, और ये नेता और अधिकारी जो पैसे को लूट रहे हैं
वो इतने ज्यादा निकृष्ट हैं कि उस पैसे को भारत के बाहर भेज रहे हैं, यहां नहीं रखते, बाहर जाता है। कहां जाता है? स्विट्जरलैंड में जाता है। स्विट्जरलैंड नाम के देश में कुछ बैंकें हैं जिनको स्विस बैंक्स कहा जाता है, वहां पैसा जमा करते हैं ये लूट का। क्यों? क्योंकि वो अकेला देश है दुनिया में जहां की बैंकों में आप कितना भी पैसा जमा करो वो पूछते ही नहीं कहां से लाए हो, सोर्स की बात ही नहीं करते। वो तो कहते कर रख दो, जितना है रख दो, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, और वहां डॉलर्स में बात होती है, रुपए का बात ही नहीं। स्विस बैंकों में खाता खोलना बहुत आसान है, हिंदुस्तान में उनके हजारों एजेंट हैं। किसी एक एजेंट से मैं आपकी बात कराऊं, आप फोन पे बात करिए, कल अकाउंट खुल जाएगा आपका। बस इतना ही है कि मिनिमम जो आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा वो 10 करोड़ डॉलर है, इतना ही है। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलते हैं तो मिनिमम कुछ रखना पड़ता है, 500 रुपए। हाँ, अब वहां मिनिमम है 10 करोड़ डॉलर, $1 में 50 रुपए होते हैं, तो 500 करोड़ रुपए वहां कम से कम जमा करो तो खाता खुलता है। तो कौन जाएगा वहां खाता खुलवाने? निश्चित है जिसके पास 500 करोड़ से ऊपर होगा वही तो जाएगा। ऐसे लोग हैं इस देश में, और आपको सुन के हैरानी होगी कि ऐसे लोग कौन है। टाटा बिरला डालमिया धीरूभाई अंबानी है तो उसमें क्या है, वो तो उद्योगपति है, वो तो उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, कमाते हैं, उनके पास 500-700 हजार करोड़ होना तो सामान्य बात है। मुझे तो हैरानी ऐसे लोगों पर होती है कि जो चाय की दुकान भी नहीं चलाते उनके पास है। जिंदगी में कभी जिन्होंने चाय की दुकान नहीं चलाई उनके पास हजारों करोड़ है, जिन्होंने कभी परचून की दुकान भी नहीं खोली उनके पास भी है, जिन्होंने कभी सब्जियां भी नहीं बेची उनके पास भी है, जिनके घर में कोई बिजनेस नहीं है उनके पास भी है, जिनके घर में कोई उद्योग नहीं है उनके पास भी है। कहां से आ रहा है भाई? बस यही है कि जिनके घर में ना कोई बिजनेस है, ना कोई उद्योग है, ना कोई व्यापार है, उनके पास भी हजारों करोड़ है। वो इसलिए है कि वो भारत की सत्ता व्यवस्था में भागीदार हैं, बस इसलिए। मतलब हमारे देश के नेताओं के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। हमने कुछ नेताओं की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया है, और वो जन्म कुंडली ऐसी कि आजादी जब आई तो इनके घराने ने क्या कुर्बानी दी ये पहले पता करो। कोई मरा इनका आजादी की लड़ाई में, कोई शहीद हुआ इनका आजादी की लड़ाई में, इन्होंने कभी कोई अपना बेटा हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती करा, या इन्होंने कभी कोई अपने बेटे को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए दांव पे लगाया, तो पता चला कुछ नहीं किया इन्होंने। ना आजादी की लड़ाई में उनका घर शामिल था, ना आजादी की लड़ाई में उन्होंने कोई कुर्बानी दी, ना कोई शहादत दी, ना उनके परिवार में किसी ने फौज में नौकरी की, ना देश की सुरक्षा, ना आंतरिक, ना बाहरी, कुछ किया ही नहीं, फिर भी हजारों करोड़ है उनके पास। बस इसलिए कि वो कुछ दिन एमपी हो गए, कुछ दिन एमएलए हो गए, कुछ दिन कॉरपोरेटर हो गए, कुछ दिन मिनिस्टर हो गए, कुछ दिन चीफ मिनिस्टर हो गए, कुछ दिन फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, बस इसलिए। दुख और दर्द इस बात का है कि जिन परिवारों ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, जिनके घर से किसी की कुर्बानी नहीं हुई, किसी ने शहादत नहीं दी, जिनके परिवार का कोई बेटा बेटी फौज में जाके कभी शहीद नहीं हुआ, उन्हीं के हाथ में इस देश की सारी मलाई और सत्ता है। वही लूट के खा रहे हैं इस देश को, और लूट के खा ही नहीं रहे हैं, उस लूटे हुए धन को विदेशों में ले जाकर जमा कर रहे हैं। कितना बड़ा क्राइम है आप जानते हैं? आपसे अगर गलती हो जाए तो सरकार जेल में ठोक देगी, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये गलती हो जाए कि आपकी कमाई का हिस्सा आपने विदेशों में जमा करके रखा है,
क्राइम है ये। लेकिन हमारे बड़े बड़े नेता ये क्राइम रोज करते हैं, किसी को जेल नहीं होती, किसी को पुलिस नहीं पकड़ती, किसी के घर चापा नहीं पड़ता, सीबीआई की रेड नहीं होती, इनकम टैक्स की रेड नहीं होती, क्योंकि वो सत्ता व्यवस्था में शामिल। और इनमें कई नेता तो ऐसे विचित्र हैं, जिसकी भी सरकार आ जाए उनकी बल्ले बल्ले। कुछ खानदान इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाई भतीजों को हर पार्टी में फिट किया हुआ है। अम्मा एक पार्टी में, बेटा दूसरी पार्टी में, बेटे का बेटा तीसरी पार्टी में। देख लो आप, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे परिवार तो जिसकी भी सरकार आ जाए, किसी न किसी पार्टी की तो आएगी, तो उनकी तो मजे बल्ले बल्ले। राज्यों में भी ऐसे हैं, केंद्रों में भी ऐसे हैं। मतलब सीधा सा है, लूट का माल उनके घर में आते रहना चाहिए, इसका पूरा चाक चौबंद इंतजाम उन्होंने किया हुआ है। और इतनी बेदर्दी से लूटते हैं ये लोग कि हिंदुस्तान के डकैत भी इनके सामने फीके। मैं कभी कभी याद करता हूं, इस देश में एक डाकू माधो सिंह होता था, एक डाकू मोहर सिंह होता था, एक डाकू जालिम सिंह होता था, जो लूटते थे घरों में जाकर पैसा। लेकिन उनके जीवन का एक दूसरा पक्ष भी था, वो लूटते थे और गरीबों में जाके बांटते थे, ये उनके जीवन का दूसरा पक्ष था। वो रॉबिन हुड थे हमारे सोसाइटी के। वो देखते थे कि कोई करोड़पति है, इसके यहां से लूटो, और गरीबों की बेटियों की शादियां करवाया करते थे। माधो सिंह ने हजारों बेटियों की शादियां कराई हैं, मोहर सिंह ने भी कराई, जालिम सिंह ने भी कराई। अब हम उनको डकैत कहते हैं, अमीरों से लूट के गरीबों को देने वालों को डकैत कहा जाता है, तो इनको क्या कहें? जो आधुनिक जमाने के माधो सिंह, मोहर सिंह और जालिम सिंह, ये तो लूटते हैं, गरीबों पर तो एक पैसा खर्च नहीं करते, लूट कर ले जाकर इसको स्विस बैंकों में जमा करके रखते हैं अपने कुत्ते बिल्लियों के नाम से। अकाउंट भी उनके ऐसे ही नामों से, कुत्ते के नाम से, बिल्ली के नाम से, किसी और के नाम से। इन पर हम लोगों ने जब रिसर्च की तो पता चला कि ये लोग 10-20-100 नहीं है, इनकी संख्या हजारों में है। भारत के भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी जिनके स्विस बैंक में खाते हैं वो 80,000 नाम हैं, एक दो नहीं है, 80,000। आप बोलेंगे जी कैसे पता चला? स्विस बैंक वाले तो बताते नहीं। बात बिल्कुल सही है, वो नहीं बताते, जब तक कि उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आए वो नाम नहीं बताते, इसी का पैसा लेते। स्विस बैंक बड़े इंटरेस्टिंग बैंक हैं, वो जो जमा पूंजी होती है ना उस पर ब्याज नहीं देते, उल्टा सर्विस चार्ज लेते हैं जमा करने वाले से, बदले में सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, यही है बस, वो बताते नहीं जल्दी। तो हमको भी नहीं बताया, हम बहुत पीछे पड़े, नहीं बताया। फिर हमने दूसरा रास्ता निकाला पता करने का। वो रास्ता क्या निकाला कि भारत से स्विट्जरलैंड कौन कौन जाता है ये पता लगाओ। एयरपोर्ट पर हमने हमारे लोग लगाए, दिल्ली एयरपोर्ट, बंबई एयरपोर्ट, मद्रास एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट, जहां से डायरेक्ट फ्लाइट है स्विट्जरलैंड की, इनडायरेक्ट वाली तो अभी हमने बात ही नहीं की, जहां से स्विट्जरलैंड को सीधे फ्लाइट होती है, ज्यूरिख जाती है, जिनीवा जाती है, वो एयरपोर्ट का हमने निकाला आंकड़ा, कितने लोग हैं जो स्विट्जरलैंड यात्रा करते हैं। तो पता चला वो तो 1,00,000 से ज्यादा हैं हर साल जो यात्रा करते। इन 1,00,000 में से 20,000 ऐसे हैं जो पहली बार और आखिरी बार यात्रा करते, एक बार जाएंगे देखेंगे फिर दोबारा नहीं जाते, वो घूमने वाले लोग हैं, टूरिस्ट हैं। उनमें ज्यादा लोग हनीमून मनाने वाले, शादी हुई स्विट्जरलैंड चले गए। उनको हमने पूछे, इंटरव्यू लिए कि आप क्यों नहीं गए दूसरी बार, तो उन्होंने कहा रखा क्या है वहां, पहली बार गए थे, हमने नाम सुना था, लेकिन गए तो वहां कुछ नहीं है। क्यों?
वो कहते हैं स्विट्जरलैंड से ज्यादा सुंदर तो पंचमढ़ी है अपना, उससे ज्यादा सुंदर तो डलहौजी है, उससे ज्यादा सुंदर तो उत्तराखंड है, उससे ज्यादा सुंदर तो जम्मू कश्मीर है। वो कहते हैं इतने स्थान हैं अपने भारत में जो बहुत सुंदर हैं, हमने तो नाम बड़े और दर्शन थोड़े ये पाया वहां जाकर। फिर वो दूसरी समस्या बताते हैं, वो कहते हैं 2 घंटे की कार ड्राइव करो तो देश ही खत्म हो जाता है, इतना छोटा सा देश है, बैतूल जिले से भी छोटा है। 2 घंटे कार चलाओ उत्तर से दक्षिण, देश की सीमा खत्म हो जाती है। उद्योग कोई है नहीं उस देश में, व्यापार कुछ होता नहीं है, ट्रेडिंग कुछ नहीं है, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है और इंडस्ट्री कोई नहीं है, फिर भी दुनिया में हाईएस्ट इनकम ग्रुप में वो देश आता है। पर कैपिटा इनकम में स्विट्जरलैंड हाईएस्ट है पूरी दुनिया। उनके आदमी की 1 साल की जो आमदनी है वो दुनिया में किसी देश के आदमी की नहीं है। तो इंडस्ट्री है नहीं, बिजनेस कोई है नहीं, ट्रेडिंग चलती नहीं, खेती कुछ होती नहीं क्योंकि साल में 8 महीने बर्फ पड़ती है, खेतों में बर्फ जमा रहती है, घास का तिनका भी नहीं उग सकता तो खेती नहीं है। अब कुछ नहीं है तो हाईएस्ट इनकम कहां से है? तो वो ऐसे है कि भारत जैसे दुनिया में कुछ देश हैं जहां भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, वहां के नेता और अधिकारी अपने अपने पैसे उनके बैंकों में रखते हैं और स्विट्जरलैंड वाले इतने होशियार हैं इस पैसे पर किसी को ब्याज नहीं देते, उस पैसे को वो दूसरों को ब्याज पर देकर अपना काम चलाते। पैसा हमने वहां जमा कर दिया, हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमारा पैसा वो अमेरिका को कर्ज में दे देंगे और अमेरिका से 4% 5% ब्याज ले लेंगे, खर्चा तो कुछ हुआ नहीं, वही इनकम है और वो इतनी बड़ी है कि उनके देश का सारा धंधा इसी पे चल रहा है। तो भारत के नेता वहां जाके खजाने बना रहे हैं, अधिकारी खजाने बना रहे हैं और इन खजानों में वो पैसा जमा हो रहा है जो गरीबों पे खर्च होना चाहिए था, जो विकास के लिए लगना चाहिए था, वो पैसा वहां गया। तब समझ में आता है कि आजादी के 62 साल के बाद विकास क्यों नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था। आजादी के 62 साल के बाद देश की ये परिस्थिति है कि हमारे देश में 6,38,365 गांव में से 4,00,000 गांव में अभी भी बिजली की व्यवस्था नहीं है, अभी भी नहीं। 2.5 से 3 लाख गांव में चलने के लिए सड़क नहीं है अभी भी। करीब 3 लाख गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। आधे से ज्यादा बच्चे शिक्षा से वंचित हैं इस देश में, आधी से ज्यादा आबादी निरक्षर है, बिना पढ़ी लिखी है इस देश में। आधे से ज्यादा माताएं जब अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो या तो मां मरती है या बच्चा मरता है, क्योंकि ना मां के शरीर में ताकत है ना बच्चे के शरीर में ताकत है, क्योंकि खाने के लिए खुराक ही नहीं मिलती। सरकार कहती है कि जो बच्चे दुर्भाग्य से पैदा भी हो जाते हैं उनमें से आधे से ज्यादा 3 महीने में ही मर लेते हैं कुछ ना कुछ बीमारियों से, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, हैजा हो गया, मर गए, रेजिस्टेंस नहीं है शरीर। कुपोषण इस देश में इतना है कि जंगलों में रहने वाले वनवासियों को जंगली फल खा के मर जाना पड़ता है इस देश में, इतनी खबरें रोज आती हैं उड़ीसा से, बंगाल से, आसाम से। मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं, मैंने ऐसे कई गांव देखे हैं जहां गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को बेच देते और बच्चों को बेचने का ऐसा ही बाजार लगता है जैसे आपके यहां सब्जी बेचने का बाजार लगता है। कभी दोबारा आऊंगा तो LCD प्रोजेक्टर से ऐसे सैकड़ों गांव के चित्र दिखाऊंगा आप, यहां माता पिता टोकरी में लाके बच्चों को बेच रहे हैं और हर बच्चे के गले में तख्ती पड़ी हुई है और उस पर उसका रेट लिखा हुआ है, 40 रुपए में लड़का खरीद लो, 30 रुपए में लड़की खरीद लो, ये रकम है उन बच्चों के बिकने। और उन माता पिताओं को पूछो कि भाई क्यों बेच रहे हो तो वो कहते हैं जी हम इनको इनको कुछ खिला तो सकते नहीं, ये तो ऐसे ही मर जाएंगे, कोई खरीद के ले जाएगा तो वो तो खिलाएगा। और उन बच्चों को विदेशी संस्थाएं खरीद खरीद के ले जाती हैं अपने अपने देश में
और वहां उनको नौकर बना के बड़ा करके पाल के उनसे काम करवाते। ये रैकेट हमारे देश में चलता है गरीबी के कारण। अब और एक दो नए रैकेट इस देश में आ गए हैं। कई माताओं ने गरीबी के कारण अपनी कोख किराए पर देना शुरू किया है और दूसरों के लिए बच्चे पैदा करने के लिए वो तैयार हैं, कुछ पैसे मिले तो। ये एक नया सिस्टम शुरू हो गया इस देश में। और यही गरीबी और भुखमरी हमारे देश की बहुत सारी माताओं को मजबूर करती है अपना शरीर बेचने के लिए, अपनी देह बेचने के लिए किसी वेश्याघर में, किसी वेश्यालय में। लाखों लाखों बहनें इस देश की गरीबी के कारण दलदल में धकेली जाती हैं। उनके माता पिता उनको बेच देते हैं, भाई भतीजे बेच देते हैं, उनके ही लोग बेच देते हैं। ये सारा दुष्कर्म इस देश में होता है गरीबी के नाम पर, क्योंकि गरीबी मिटती नहीं है। क्योंकि गरीबों को गरीबी मिटाने के लिए जो पैसा बजट में सैंक्शन होता है वो खर्च ही नहीं होता, वो तो नेताओं के खजानों में और अधिकारियों के खजानों में जमा होता रहता है। ये हमारी व्यवस्था का सबसे सड़ा हुआ हिस्सा है, जिसको आप भ्रष्टाचार कहें, लूटखोरी कहें, जिसको आप कुछ भी नाम दें, ये सबसे सड़ा हुआ हिस्सा है हमारी व्यवस्था का। हमको ऐसा लगता है कि जब तक इस हिस्से को हम ठीक नहीं कर लेते तब तक भारत का कोई भविष्य और भला होने की संभावना नहीं। तो हमने इसी सड़े हुए हिस्से को ठीक करने के लिए ये भारत स्वाभिमान नाम का अभियान शुरू किया है। ये जो भारत स्वाभिमान का ट्रस्ट बना है ये इसी बात के लिए बना है कि हमारे देश का ये जो आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जो लूट लूट कर लाखों करोड़ों रुपए इस देश से ले जा रहा है, विदेशी बैंकों में जमा कर रहा है, इसको बंद किया जाए, इसको रोका जाए। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि कितना लूट लिया, उसका हिसाब निकाला। 62 साल आजादी के बाद इस देश के नेताओं ने जो धन लूटा, 80,000 बैंक अकाउंट जो स्विट्जरलैंड में हैं, उनमें जो पैसा जमा है वो करीब 72,80,000 करोड़ रुपए है। डॉलर में बात करूं तो 1,500 अरब डॉलर है, 1,500 बिलियन डॉलर है। बिलियन माने 100 करोड़, 1 बिलियन। 1500 अरब डॉलर है जो स्विस बैंकों में जमा है हमारे नेताओं का, अधिकारियों का। रुपए में करीब 72,80,000 करोड़ है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के आसपास में कुछ और देश हैं छोटे छोटे। एक देश है उसका नाम है लीचेस्टन, जर्मनी के पास है, वहां भी ऐसे ही खाते हैं। एक छोटा सा देश है उसका नाम है पनामा, वहां पर भी ऐसे खाते हैं। एक छोटा सा देश है गिनी बिसाऊ, वहां भी ऐसे खाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ 77 देश और हैं, वहां भी ऐसे ही अकाउंट्स हैं, वहां भी भारतवासियों के खाते हैं, और उन खातों में करीब 35,00,000 करोड़ और जमा है। मतलब सीधा सा ये है कि 110 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान की आजादी के आने के बाद पिछले 62 साल में इस देश से लूटा गया है और विदेशी बैंकों में जमा है। अब पिक्चर पूरा क्लियर हो गया कि आजादी के 62 साल बाद भी विकास क्यों नहीं हुआ। क्योंकि विकास के लिए जो धन आवंटित हुआ वो तो लूटकर विदेशी बैंकों में चला गया। अब दिल में अफसोस और दर्द इस बात का है कि जब अंग्रेज आकर इस देश को लूटते थे तो हम पत्थर रखते थे अपने दिल पर और ये कहा करते थे कि काश ये अंग्रेज चले जाएं, इस देश की लूट बंद हो जाए। अंग्रेजों ने बहुत लूटा है इस देश को, आपको अंदाजा है या नहीं पता नहीं। मैं तो इस समय इतिहास का विद्यार्थी हूं और इतिहास को दस्तावेजों के आधार पर पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं। पिछले कुछ 12-15 वर्षों में 50,000 से ज्यादा दस्तावेज मेरे हाथ लगे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के।
उन दस्तावेजों से पता चलता है कि अंग्रेजों ने कितना लूटा है। दो चार उदाहरण देता हूं। एक अंग्रेज था इस देश में, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। 1750 में आया बंगाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर इन चीफ बन के, और उसने बंगाल में आके एक युद्ध लड़ा जिसको प्लासी का युद्ध कहते हैं। बंगाल का राजा हुआ करता था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो उसने सिराजुद्दौला के सामने एक पेशकश की थी कि मुझे बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। सिराजुद्दौला ने मना कर दिया था। उसने कहा कि अंग्रेजों पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, उनको लाइसेंस नहीं दे सकता। कारण क्या था? सिराजुद्दौला को यह मालूम था कि अंग्रेजों ने जहां जहां व्यापार करने का लाइसेंस लिया है, हर राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ है। अंग्रेजों ने 1618 में इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजकर पहला लाइसेंस लिया था सूरत में, और सूरत पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का। बाद में गुजरात पे कब्जा हो गया। फिर जब अंग्रेजों ने कहा कि हम बंगाल में भी करना चाहते हैं, मना कर दिया। तो अंग्रेजों का जो कमांडर इन चीफ था रॉबर्ट क्लाइव, उसने सिराजुद्दौला को चुनौती दी। उस जमाने में क्या होता था, आपने किसी से कोई बात कही, उसने नहीं मानी, तो आप क्या कहेंगे, हम युद्ध करेंगे तुमसे, तो युद्ध में फैसला होगा। तो सिराजुद्दौला को उसने कहा युद्ध करेंगे, तो सिराजुद्दौला ने कहा कर लो, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। तो युद्ध हुआ प्लासी के मैदान में, वो सब आपने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है वो बताना चाहता हूं। प्लासी का युद्ध हुआ ये तो आप सब जानते हैं, 23 जून 1757 को युद्ध हुआ। युद्ध में हुआ क्या? युद्ध ही नहीं हुआ। दस्तावेज कहते हैं कि प्लासी के मैदान में जब रॉबर्ट क्लाइव गया युद्ध के लिए, तो उसके पास सैनिक बहुत कम थे, मात्र 350, और सामने जो फौज थी सिराजुद्दौला की उसमें सैनिक बहुत थे 18,000। अब 350 सैनिक अंग्रेजों के, 18,000 सैनिक सिराजुद्दौला के। रॉबर्ट क्लाइव को समझ में आ गया मैं तो मारा जाऊंगा अभी 10 मिनट में ही, तो उसने युद्ध नहीं किया। उसने क्या किया, अपना एक चतुर आदमी सिराजुद्दौला की फौज में भेज दिया और कहा कि ये पता लगाओ कि कौन आदमी है जो बिक सकता है, कौन आदमी है जो टूट सकता है इस फौज में। उसका एजेंट गया, थोड़ी देर में वापस आ गया, कहा एक आदमी है मीर जाफर, और वो सिराजुद्दौला की सेना का कमांडर इन चीफ है, वो पैसे का लालची है, कुर्सी का लालची है, ये टूट सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ऑफर भेज दिया उसको और उससे कहा कि तुम मेरे साथ संधि कर लो, मैं तुमको युद्ध के बाद बंगाल का राजा बना दूंगा, सिराजुद्दौला को हम मार डालेंगे, तुम राजा हो जाओगे, फिर लूट लेना, थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना। अब मीर जाफर पैसे का लालची था और कुर्सी का लालची था। ऐसे समझ लीजिए कि मीर जाफर था डिफेंस मिनिस्टर और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको ऑफर किया कि तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाता हूं, तैयार हो गया वो। बंगाल का राजा घोषित किया जाएगा और फिर मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव मिलकर सिराजुद्दौला की हत्या करेंगे और गद्दी पर मीर जाफर बिठा दिया जाए। ये संधि हुई। ये संधि के पेपर्स हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़े हुए, उसकी फोटोकॉपी मेरे पास है। अब वो पेपर्स पढ़ने से पता चलता है कि युद्ध ही नहीं हुआ मैदान में, वहां तो सरेंडर हुआ और सरेंडर 20 मिनट में हो गया। 18,000 सैनिकों ने हथियार फेंक दिए, वो सब रॉबर्ट क्लाइव के पाले में शामिल हो गए और ये 350 की सेना का सेनापति 18,000 सैनिकों की सेना का सेनापति हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव मिलकर युद्ध के मैदान से घोड़ों पर बैठकर सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला की हत्या करने के लिए गए, जुलूस के शक्ल में। सिराजुद्दौला रहता था मुर्शिदाबाद में और युद्ध हुआ था कलकत्ता में, माफ कीजिएगा युद्ध नहीं, संधि हुई थी कलकत्ता। कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की दूरी है, घोड़े से चलें तो 10-12 दिन लगते हैं, तो 10-12 दिन इन्होंने जुलूस निकालकर घोड़ों पर
टप 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 मुर्शिदाबाद पहुंचे। उस जुलूस का वर्णन रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है, पर्सनल डायरी में, और उस डायरी का एक वाक्य सुनाता हूं आपको। रॉबर्ट क्लाइव लिखता है कि जब हमने संधि कर ली और सिराजुद्दौला को मारने का षड्यंत्र किया, घोड़ों पर बैठकर हम चल दिए, तो मैं आगे आगे चलता था, मेरे पीछे 350 सैनिक चलते थे, उनके पीछे 18,000 भारतीय सैनिक चलते थे, और सड़क के दोनों तरफ हजारों भारतवासी हमारा जुलूस देखते थे और तालियां बजाते थे। वो डायरी में लिखता है कि जो भारतवासी हमारे जुलूस पर तालियां बजाते थे, अगर इन्हीं भारतवासियों ने एक एक पत्थर उठा के हमको मार दिया होता तो भारत का इतिहास तो 1757 में ही बदल गया होता। हमने पत्थर नहीं फेंका, ताली बजाई अंग्रेजों के जुलूस पर। परिणाम वही निकला जो निकलना था। ये जुलूस सुरक्षित पहुंचा, सिराजुद्दौला की हत्या की। थोड़े दिन के लिए मीर जाफर के भतीजे मीर कासिम को प्रधानमंत्री बना दिया, फिर मीर कासिम को हटाया, फिर मीर जाफर को बना दिया। एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, ये मीर जाफर तो बड़ा खतरनाक आदमी है, जो अपने राजा से गद्दारी कर सकता है वो मुझसे भी करेगा। तो एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को चाकू घोंप दिया, मार डाला, और खुद रॉबर्ट क्लाइव फिर बंगाल का राजा हो गया। उसी दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस देश में शुरू हो गया, और उसी दिन से गुलामी हमारी शुरू हो गई। अब इस गुलामी की कहानी में एक बात ध्यान देने की है कि अगर देश और समाज में एक गद्दार पैदा हो जाए तो पूरा देश गुलाम हो जाता है। एक मीर जाफर ने पूरे देश को गुलाम बना दिया। मैं बार बार यही सोचता हूं कि अगर मीर जाफर नहीं होता तो क्या होता, तो रॉबर्ट क्लाइव तो मारा जाता पहली ही बार में, और वो मारा जाता तो उसके 350 सैनिक मारे जाते, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मारी जाती, तो वो भाग जाते वापस, और ये देश गुलाम नहीं होता, इस देश की लूट नहीं होती, आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, 732,000 क्रांतिकारियों को बलिदान नहीं कराना पड़ता, करोड़ों हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के अपमान का शिकार नहीं होना पड़ता अगर मीर जाफर नहीं होता। लेकिन मीर जाफर ने देश का इतिहास बदल दिया। अब दुख और दुर्भाग्य की बात इस देश में यह है कि 1757 में तो एक मीर जाफर था, 2009 में तो लाइन लगी हुई है मीर जाफरों की। अब तो जिस पार्टी में देखो वहां मीर जाफर ही मीर जाफर दिखाई देते हैं, हर पार्टी में मीर जाफर, देश बेचने के लिए, समाज बेचने के लिए तैयार बैठे। ये देश के सामने बहुत बड़ा संकट है। और दुख और दुर्भाग्य यह है कि रॉबर्ट क्लाइव ने यह सब करने के बाद लूटा इस देश को और धन ले गया इंग्लैंड। तो रॉबर्ट क्लाइव जब धन लेके पहली बार इंग्लैंड पहुंचा तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उसको पूछा गया, तुम भारत से क्या लाए? तो उसने कहा, सोने चांदी हीरे जवाहरात के जहाज भर के लाया। कितने जहाज भर के लाए? तो उसने पार्लियामेंट में उत्तर दिया, 900 शिप्स भर के लाया। नाव नहीं, जहाज, 900 बोट्स नहीं, शिप्स। एक शिप का उस जमाने में जो साइज होता था उसमें 60-70 मीट्रिक टन मटेरियल आता था। ऐसे 900 जहाज भरकर सोना चांदी हीरे जवाहरात वो लेके गया। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, उसने पूछा मीर जाफर को कि इसकी वैल्यू कितनी है जो तुम लेके आए? उसने कहा कि मालूम नहीं है, फिर भी वो कहता है एक रफ एस्टीमेट है 1,000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। 1,000 मिलियन, मिलियन माने 10 लाख, और स्टर्लिंग पाउंड इतनी वैल्यू है। आज के हिसाब से इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये 7.5 से 8 लाख करोड़ रुपए की रकम बैठती है। वो एक रॉबर्ट क्लाइव लूट के ले गया। फिर रॉबर्ट क्लाइव के बाद इस देश में दूसरा आया वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने लूटा फिर इस देश को।
फिर वॉरेन हेस्टिंग्स गया लूट मार के, तो तीसरा आ गया कर्जन, उसने लूटा इस देश को। फिर कर्जन गया तो चौथा आ गया विलियम वेंटिंग, उसने लूटा इस देश को। फिर वो गया तो पांचवा आ गया, फिर छठा आ गया। ऐसे 84 अंग्रेज आए गवर्नर जनरल बन के, पूरे देश को लूट लूट के सारा धन इंग्लैंड में जमा कर दिया। तो मेरे दिल को, आपके दिल को कसक ये होती है कि भाई वो विदेशी थे, लुटेरे थे, लूटने के लिए आए, धन ले जाके उन्होंने इंग्लैंड में जमा कर दिया। अब आजादी के 62 साल के बाद भी ऐसे ही लुटेरे देश को लूटें और सारा धन स्विट्जरलैंड में ले जाके जमा करें, तो रॉबर्ट क्लाइव और इन देशी लुटेरों में क्या अंतर है, आप बताइए? ये तो हमारे ही अपने हैं। और इन देशी लुटेरों को अगर हमने ऐसे ही छूट देकर रखी तो ये तो सारे देश को लूट खाएंगे, इनको देश की पड़ी क्या है? और ये लोग जब लूट खाएंगे देश को और कुछ नहीं बचेगा तो ये भारत छोड़कर भी भाग जाएंगे, क्योंकि सबके पास विदेशी खाते हैं, सेटल हो जाएंगे, उनको पड़ी क्या है? उनके बेटे बेटियां तो सेटल हो ही चुके हैं पहले से, वो भी सेटल हो जाएंगे। रहना तो आपको पड़ेगा, रहना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। ना आप इस देश को छोड़ सकते हैं, ना मैं इस देश को छोड़ सकता हूं। तो चिंता भी आपको ही करनी पड़ेगी इस देश की, और मुझे ही करनी पड़ेगी। इसी चिंता ने हमको मजबूर किया है भारत स्वाभिमान अभियान चलाने के लिए। इसी मजबूरी में हमने ये काम शुरू किया। हमें कोई खुशी नहीं है ये काम करने की, मजबूरी है हमारी कि ये लूट बंद होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे क्या हम इस अभियान की मदद से इस लूट को बंद करा सकते हैं? बिल्कुल, कोशिश तो करना ही चाहते हैं, बाकी भगवान के ऊपर है, वो मदद करे तो हम बंद करा लेंगे, नहीं करे तो जो भी होगा। एक बार प्रयास तो करना ही चाहते हैं ईमानदारी से। तो आप बोलेंगे क्या प्रयास है? हमारे दो प्रयास हैं। पहला प्रयास यह है कि भारत स्वाभिमान के माध्यम से सरकारों के ऊपर इतना दबाव डालेंगे हम कि ये जो लूट का पैसा इन्होंने जमा कर रखा है विदेशी बैंकों में, ये भारत में वापस आए। पहला काम तो हम ये करना चाहते हैं। दूसरा काम हम ये करना चाहते हैं कि हम इस देश में रहें या ना रहें, कानून और व्यवस्था ऐसी बन जाए कि आने वाले समय में कोई इस देश का एक पैसा भी लूट कर ना ले जा पाए। दो काम करना चाहते हैं। पहला, जो लूट कर ले जाया गया धन है ये वापस लाना है, और दूसरा, भविष्य में ऐसी कोई लूट इस देश में से ना हो सके उसकी व्यवस्था करनी है। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता, हर काम संभव है। बस करने वाले का संकल्प कितना है यह महत्व की बात है। हर काम संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। हम दुनिया में बहुत सारे कामों को असंभव माना करते थे, लेकिन हमारी आंखों के सामने हो गए। जैसे कोई ये कल्पना कर सकता था कि गोरे अमेरिका में काला आदमी राष्ट्रपति हो सकता? जिस अमेरिका में 85% वोट गोरे लोगों का हो, 15% वोट काले लोगों का हो, माइनॉरिटी वोट काले लोगों का हो, मेजॉरिटी वोट गोरे लोगों का हो, उस देश में कोई काला आदमी राष्ट्रपति हो सकता है? और वो भी एक ऐसा आदमी जिसका पिता कीनिया का था और जिसकी मां अमेरिका की थी। हो गया। और एक ऐसा आदमी जिस अमेरिका में मुसलमानों के नाम से नफरत है और घृणा है, बराक हुसैन ओबामा मुसलमान है, राष्ट्रपति हो गया। ये असंभव है लेकिन हो गया। इसी तरह से कभी किसी के जिंदगी में जो राजनीति शास्त्र के पंडित हैं, विद्वान हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं होते थे कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों एक हो जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट दोनों एक हो जाएंगे। ये कल्पना के बाहर की बात थी। हो गए।
ऐसे ही राष्ट्र राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी ये मानने को तैयार नहीं थे एक समय में कि सोवियत संघ नाम का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र खंड खंड टूट जाएगा। हो गया। तो जब ऐसे बिना संभावना के बहुत सारे काम दुनिया में हो चुके हैं, तो ये भी हो सकता है कि भारत की लूट का गया हुआ धन जो हमारे हाथों से तो निकल चुका है लेकिन कहीं रखा हुआ है वो वापस आ सकता है। हमें विश्वास है कि आ सकता है। आपको भी जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा उसी दिन आ जाएगा। हमें तो विश्वास हो गया, आ गया, आ सकता है। आपको भी जिस दिन विश्वास हो जाएगा, आपके जैसे करोड़ों लोगों को जिस दिन विश्वास हो जाएगा उसी दिन आ जाएगा। आप बोलेंगे रास्ता क्या है इसके वापस आने का? इसके चार रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम हमारी संसद की मदद लेकर ये काम करें। क्या हमारी संसद में हम एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं और प्रस्ताव लाने के लिए कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम तैयार कर रहे हैं। प्रस्ताव किस बात का? 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन इस देश में से लूट कर विदेशों में जमा हुआ वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, ये संसद में प्रस्ताव आए। अब संसद में प्रस्ताव आएगा तो बहस होगी। जिस दिन बहस होगी उस दिन आप टीवी जरूर स्विच ऑन कर लेना, क्योंकि आजकल संसद की बहस डायरेक्ट टेलीकास्ट होती है, DD1 पे होती है, लोकसभा टीवी पे होती है, और देखना कि बहस में कौन कौन MP और नेता है जो इसका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा तो पक्की बात है स्विस बैंक में उसी का खाता है। तो बिना हमारे बताए सबको नाम पता चल जाएंगे। और जो जो विरोध करेगा बहस में वो ही नहीं, इस प्रस्ताव के विरोध में वोट पड़ेगा तो जो इसके विरोध में वोट करेगा पक्की बात है उनका खाता है। और लोकसभा की कार्यवाही से ये पता लगाया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एक मिनट में पता चल जाए। ये हम तैयारी कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कौन सी पार्टी के लोग इस प्रस्ताव को लाएंगे? हमारी कोशिश चल रही है ऑल पार्टीज की तरफ से ये प्रस्ताव हम करवाएं। हमारी कोशिश ये है, BJP, कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, CPM, CPI, 48 राजनीतिक पार्टियां संसद में हैं। हम चाहते हैं सबकी तरफ से ये प्रस्ताव आए, कोई भी इसमें से पीछे ना खिसक पाए। हमारी कोशिश तो ये है। लेकिन वो करने देंगे क्या, आप ये पूछोगे? हम उनके ऊपर इतना दबाव बना रहे हैं कि वो करने देंगे ऐसा भरोसा हो रहा है। क्योंकि थोड़े दिन पहले आपको याद है परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने एक पत्र लिखा था सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष को चुनाव के पहले, और कहा उन्होंने कि जो इस मुद्दे पर हमारा साथ देगा भारत स्वाभिमान उसी को आशीर्वाद देगा। तो सबसे पहले बयान आया लाल कृष्ण अडवाणी का, उन्होंने कहा हम ये काम करेंगे। बहुत खुशी की बात है, करो। तुरंत दूसरा बयान आ गया राहुल गांधी का, राहुल गांधी ने कहा हम ये काम करेंगे, बहुत अच्छा है, करो। तीसरा बयान आ गया शरद यादव का, हम ये काम करेंगे, बहुत अच्छा है भाई, करो। चौथा बयान आ गया मुलायम सिंह यादव का, हम करेंगे, भाई आप भी करो। ऐसे सीताराम येचुरी का आ गया, प्रकाश करात का आ गया, सारे बड़े नेताओं में से दो चार को छोड़कर सबने बयान दिए कि हमारी सरकार आई तो हम करेंगे। हमने वो सब बयान टेप कर लिए हैं उनके, जिस जिसने जो कहे। अब सरकार बन गई है और चांस की बात है कि कांग्रेस की बन गई है, अब हम इनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई तुमने बोला था करो, बोला था आप करो, बोला था आप करो। इस बात के लिए परम पूजनीय स्वामी जी दो बार प्रधानमंत्री को मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम करेंगे, आप हमको समय दे दो।
कितना उन्होंने 4 महीने का, स्वामी ने कहा 6 महीने ले लो, करो लेकिन इस काम, तो 6 महीने तक हम इंतजार करेंगे, माने जनवरी 2010 तक हम इंतजार करेंगे कि सरकार कर रही है कर रही है कर रही है, और जो नहीं किया तो फिर इनका बाजा बजाएंगे, इनको चैन और शांति से तो सोने नहीं देंगे। अब बहुत सो लिए 62 साल, अब नहीं सोने देंगे, क्योंकि अब हम जग गए हैं, इनको नहीं सोने देंगे। नाक में दम कर देंगे, चारों तरफ से इनके ऊपर दबाव डालेंगे, और वो चारों तरफ के दबाव क्या होंगे, सारे देश में इस बात को खुलकर कहेंगे कि इन्होंने वायदा किया था। हमारे पास तो टेलीविजन के रिकॉर्ड्स हैं, इस तारीख को इस दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुन लो देखो क्या कह रहे हैं, फिर जनता से ये कैसे मुंह छुपाएंगे, संसद में कैसे मुंह छुपाएंगे, तो हमारी तैयारी वो है। उसके बाद भी इन्होंने नहीं किया, तब तक हम कुछ सांसदों को तैयार कर रहे हैं जो निर्दलीय जीत कर गए, जिनका पार्टियों से लेना देना नहीं, उनसे हम कह रहे हैं कि तुम ही प्रस्ताव लाओ संसद में, निर्दलीय लोग भी प्रस्ताव ला सकते हैं और उस पर बहस तो हो ही सकती है, भले वो पास हो या नहीं हो, बहस तो हो ही सकती है। तो ये हमारी तैयारी है। दूसरी तैयारी क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट की मदद लेना चाहते हैं इस मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक फैसला दिया था, जब पीवी नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे तो एक यूरिया घोटाला हुआ था, जिसमें 133 करोड़ रुपए दिए गए यूरिया खरीदने के लिए, लेकिन एक दाना भी यूरिया नहीं आया, आप जानते हैं। सीबीआई इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में पता चला कि वो 133 करोड़ रुपया हमारे देश की अर्थव्यवस्था से निकलकर स्विट्जरलैंड में जमा हो गया। सीबीआई ने जब ज्यादा विस्तार से इसकी जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। सीबीआई ने जब इस मामले की ज्यादा गहराई से जांच की माइक्रो लेवल पे, तो मामला कुछ और निकला। मामला क्या निकला कि 133 करोड़ रुपए का जो पेमेंट हुआ वो नरसिम्हा राव के बेटे को हुआ, उनके खाते में जमा हुआ, और उनका खाता स्विट्जरलैंड की बैंकों में, तो पैसा वहां चला गया। फिर उसी समय भारत के कुछ जागरूक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया इस रिपोर्ट के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन में नोटिस इशू किया सरकार, और सरकार को कहा कि ये जितना पैसा 133 करोड़ है, या तो इसका यूरिया लेके आ जाओ या ये पैसा वापस ले आओ, ये देश की संपत्ति है, ये मजाक नहीं है। स्विट्जरलैंड ने घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया कि 133 करोड़ रुपए भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, निजी संपत्ति नहीं है किसी की, ये वापस आना चाहिए। अब जब फैसला आ गया तो सरकार क्या करती है, तो सरकार ने वो फैसले की कॉपी स्विट्जरलैंड भिजवाई, सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम बनाई, कुछ अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर स्विट्जरलैंड गए, और आपको सुनकर हैरानी होगी, जजमेंट आने के 21 दिन के भीतर 133 करोड़ रुपए वापस आ गया और सुप्रीम कोर्ट के खजाने में जमा हो गए। और नरसिम्हा राव के जिस बेटे के खाते में ये पैसा गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया, वो आज भी जेल में सड़ रहा है। हमारा ये कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा स्विट्जरलैंड से सुप्रीम कोर्ट वापस मंगा सकता है, तो चारा घोटाले का भी मंगा सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी मंगा सकता है। हमारे देश में एक बड़ा भारी घोटाला हुआ था, चेक पिस्टल स्कैंडल, चेकोस्लोवाकिया से रिवॉल्वर खरीदी गई, रिवॉल्वर एक भी नहीं आई, पैसे के पेमेंट हो गए। ऐसे पिछले 62 साल में हजारों घोटाले हुए, तो हम तो वो घोटालों की फाइल बना के तैयार बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक एक फाइल देते जाएंगे, इनका भी राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दो, इनका भी कर दो, इनका भी कर दो, इनका भी कर दो। हम तब ये देखेंगे
कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से कैसे पलटता है, जब एक बार वो कह चुके हैं कि ये राष्ट्र की संपत्ति है, घोटाले में गया हुआ पैसा, तो सभी घोटालों का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति है, और सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा तो 72,80,000 करोड़ जो स्विस बैंक में है, 35,00,000 करोड़ जो दूसरी बैंकों में है, ये वापस आएगा, 110,00,000 करोड़ आ जाए। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा एक रास्ता है वो ये कि हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत की शरण लें। एक इंटरनेशनल कोर्ट होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे इंटरनेशनल कोर्ट, वहां एक मुकदमा दाखिल करें और स्विट्जरलैंड की सरकार के खिलाफ वो मुकदमा हो, और वो मुकदमे में कई और देश भी हमारे साथ आने को तैयार हैं, क्योंकि उनका भी पैसा वहां फंसा हुआ है। सामूहिक रूप से मुकदमा करें, 50 देश मिलके करें, तुरंत फैसला आएगा, क्योंकि ICJ में नियम है, कोर्ट में कोई मामला आए 3 महीने में जजमेंट देना ही पड़ता है उन्हें, वहां ऐसा नहीं भारत की तरह 10-10 साल 20-20 साल केस लटक, तो वहां फैसला आ सकता है। और इंटरनेशनल कोर्ट में अगर हम गए तो सबसे ज्यादा बदनामी होगी स्विट्जरलैंड की और उन देशों की जिनके बैंकों में ये पैसे पड़े हुए हैं, तो बहुत सारे देश तो बदनामी से बचने के लिए ही कह देंगे भैया ले जाओ, ये मामला मत लेके आओ आगे। और एक तरीका है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ की तरफ से हम ये काम करवा सकते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक प्रस्ताव पारित किया है, वो प्रस्ताव ये है कि दुनिया में जो टैक्स हैवन्स हैं, जिन देशों में टैक्स नहीं लगता ना, इनकम टैक्स वगैरह टैक्स हैवन्स, उन्हीं देशों में ये पैसा जमा होता, तो कहा गया कि जो टैक्स हैवन्स हैं वो अपनी अपनी बैंकों को बंद करें, उनके ऑपरेशन बंद करें। क्यों? क्योंकि आतंकवादियों के खाते भी उन्हीं बैंकों में, जहां नेताओं के खाते, तो यूनाइटेड नेशंस को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, तो उन्होंने कहा ये खाते बंद करो, तो दबाव उनका है, और हम इकट्ठे हो गए 50 देश तो और दबाव डलवा सकते हैं। एक छोटा सा देश है लीचेस्टन, उसने तो भारत सरकार को लिख के दे दिया है कि जल्दी से अपने खाते मंगा लो, हम बैंकें बंद करना चाहते। अब सरकार के सामने मुश्किल पैदा हो गई है, सामने से वो कह रहे हैं कि खाते अपने मंगा लो, पैसा विड्रॉ कर लो, हम ये बैंक बंद करना चाहते हैं। सरकार उस चिट्ठी को दबा के बैठ गई है, क्योंकि सरकार के ही लोगों के पैसे। तो मामला हम चाहें तो 4 तरफ से सुलझा सकते हैं। और एक तरीका है पांचवा, हम दादागिरी करके ये पैसा ला सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? स्विट्जरलैंड से दादागिरी करो, पिद्दी सा देश है, आर्मी उसके पास नहीं है, एक जिले से छोटा है। मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूं कि सारे भारतवासी खड़े होकर अगर पेशाब भी कर दे तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा, इतना छोटा सा देश। अभी अमेरिका ने किया है, आपको मालूम है बराक हुसैन ओबामा जब राष्ट्रपति बना उसने बड़ा काम किया। उसने क्या किया है? अमेरिका के लोगों से जो वायदा किया था वो वायदा पूरा किया। उसने चुनाव से पहले कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनकर आया तो अमेरिका में जितने घोटाले हुए हैं पिछले 50 सालों में, उनका पैसा स्विस बैंकों में है, वो वापस लाऊंगा। इसलिए बराक हुसैन जीता, ये हिलेरी क्लिंटन ने नहीं कहा, बराक हुसैन ने कहा, वो जीत गया, लोगों ने जिता दिया। जीतते ही उसने पहला कानून बनाया, वो अमेरिकन पार्लियामेंट में यही कानून है कि अमेरिका में जितने स्कैंडल हुए लास्ट 50 ईयर्स में, उनका पैसा जो स्विस बैंक में है वो वापस आना चाहिए, वो नेशनल प्रॉपर्टी है। तो इंक्वायरी कराई उसने, FBI की टीम भेजी, तो उन्होंने बताया $470 अरब अमेरिका का वहां पे है। अमेरिका ने अपनी संसद से कानून बना दिया, कानून की कॉपी स्विट्जरलैंड चली गई, तो स्विट्जरलैंड की सरकार ने थोड़े दिन तो दबा के रखा, फिर अमेरिका ने एक धमकी दी, उसी में सरेंडर कर दिया स्विट्जरलैंड। उन्होंने कहा कि हमने इराक को बर्बाद कर दिया है, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया है, हमारी एक मिसाइल आपको भी तबाह कर सकती है। इतना ही कहा था, स्विट्जरलैंड के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा भाई ले जाओ अपना पैसा, $470 अरब अमेरिका को वापस दे दिया। बराक हुसैन ओबामा ने क्या किया कि वो पैसा अमेरिका में जो इस समय मंदी चल रही है ना और बहुत सारी कंपनियां और बैंक डूब गए हैं, उनको दे दिया बेल आउट पैकेज में। तो मेरा ये कहना है कि अमेरिका कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं।
उसने थोड़ा क्रूड तरीके से कहा कि एक मिसाइल छोड़ देंगे, हम थोड़ा सफिस्टिकेटेड तरीके से कह सकते हैं, कहे हम भी सकते हैं, और दूसरे देशों को साथ में लेके। तो मतलब यह है कि रास्ते अपने पास खुले हैं ये पैसा लाने के लिए, हम में संकल्प कितना है ये काम कराने के लिए, परीक्षा हमारी है। अब ये परीक्षा में हम पास होते हैं तो ये इस बात पर निर्भर है कि जो हम चाहते हैं उसको कितने करोड़ भारतवासी चाहते हैं। क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में नंबर गेम होता है, नंबर गेम में 51% जो कहेंगे वो माना जाता है, भले वो कितना ही गलत क्यों ना हो। तो हम इस नंबर गेम में उतरना चाहते हैं, और कैसे उतरना चाहते हैं, हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों के पास कुल जमा 4 करोड़ मेंबर हैं, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई। हम मान के चलते हैं कि ये पार्टियां हमारा काम ना करें, कल्पना करो, कर दें तो बहुत अच्छा, ना करें तो ये 4 करोड़ लोगों से हमें टक्कर लेनी है, तो हम 5 करोड़ सदस्य अपने बनाना चाहते हैं, हमारी लाइन बड़ी करना चाहते हैं। और हमारे पास जिस दिन 5 करोड़ लोग हो जाएंगे इस बात को बोलने वाले, उस दिन ये सारी पार्टियां सरेंडर कर देंगी और ये कहेंगी कि यही काम होना चाहिए इस देश में। तो इस रास्ते हम ये काम करवाना चाहते। अब आपकी इसमें हमें मदद चाहिए, और आप ये पूछेंगे भाई ये पैसा आ जाएगा तो करोगे क्या। हमने उसकी पूरी योजना बना रखी है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, एक एक पैसे के लिए ब्लूप्रिंट बना है, क्या करेंगे कैसे करेंगे। हमारा ब्लूप्रिंट ये है कि 110 लाख करोड़ ये आ गया कुल मिलाकर, तो इसमें से 50 लाख करोड़ हमें खर्च करना है गांव के विकास पर। गांव जो विकास में छूट गए, 84 करोड़ लोग जो गरीबी में डूब गए, ये सब गांव के लोग हैं, इनके विकास पे खर्च करना। तो कैसे खर्च करना है, एक तरीका तो ये बांट दो सबको लाइन लगा के, भाई ले लो अपने अपने हिस्से का, ऐसे नहीं खर्च करना है। हमें खर्च करना है हर गांव में इस पैसे की मदद से कुछ उद्योग शुरू करने हैं, उद्योग, ऐसे उद्योग जो गांव में आसानी से शुरू हो सकते हैं। जैसे मैं नाम लेके बताऊं, गेहूं पैदा होता है गांव में तो आटा बनाने का उद्योग गांव में चल सकता है। आजकल शहरों में बना बनाया आटा खरीदने वाले बहुत लोग हो गए, बहुत लोग हैं जिनको पिसा हुआ आटा पैकेट में बंद चाहिए, क्योंकि पति पत्नी दोनों काम पे जाते हैं, इतनी फुर्सत नहीं है कि गेहूं को छानना, बीनना, फटकना, वो कहते हैं बना बनाया ले आओ। तो बना बनाया आटा खरीदने वाले करोड़ों लोग हैं। अब उस आटे की व्यवस्था हमें ऐसी करनी है कि गेहूं जहां पैदा होता है आटा वहीं बने, पैकिंग हो और शहरों में आकर बिके। आटा बनाने के लिए कौन सी बड़ी भारी ऐसी मशीन चाहिए जो गांव में नहीं लग सकती, सिंपल सी चक्की चाहिए ना। और हमारी तो योजना यह है कि बिजली की चक्की का ही आटा नहीं, हाथ की चक्की का आटा भी मिले लोगों को खाने के लिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए। आप बोलेंगे जी ये क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको एक विज्ञान की गहरी बात बताना चाहता हूं। बिजली की चक्की चलती है बहुत तेज, उसमें जो गेहूं पिसता है ना उस गेहूं के सारे पोषक तत्व तो जल जाते हैं, क्योंकि हीट बहुत डेवलप होती है उस बिजली की चक्की में। तो आप बिजली की चक्की के पिसे हुए आटे की जो रोटी खाते हैं वो आपको एसिडिटी करती है, हाइपर एसिडिटी करती है, अल्सर करती है, पेप्टिक अल्सर करती है, भूख मार देती है आपकी, ये सब समस्याएं हैं। हाथ के आटे का, हाथ की चक्की का आटा जो धीरे 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 हम चलाते हैं, उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता, हीट जनरेट नहीं होती, तो उससे पिसा हुआ जो आटा निकलता उसके पोषक तत्व तो मेंटेन रहते हैं। आप एक बार हाथ के चक्की के आटे की रोटी खा लो, आप भूल जाओगे बाकी सब रोटियों का स्वाद, क्योंकि हमने ये करके देखा। हमने परीक्षण किया कि चक्की जो बिजली वाली है उसका आटा लिया, लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए दिया, और हाथ वाली चक्की का आटा लिया, लेबोरेटरी में टेस्ट करने को दिया, तो वैज्ञानिक बताते हैं कि 18 गुना ज्यादा पोषक तत्व तो हाथ वाली चक्की के आटे में है, 18 गुना ज्यादा।
तो हम तो चाहते हैं कि गांव-गांव के हर घर में ये चक्की चले। पहले चलती थी कि नहीं, बीच में बंद हो गई। क्यों? हमने विकास कर लिया इसलिए बंद हो गई। विकास का हमारा मतलब पता है क्या है? कि पहले जो काम हम हाथ से करते थे अब मशीन ने करना शुरू कर दिया जी, विकास हो गया हमारा। पहले चक्की रोज चला के आटा बनाते थे ताजा ताजा, और घरों में परंपरा ये थी कि सवेरे का आटा सवेरे, शाम का शाम को, दूसरे दिन का भी इस्तेमाल नहीं होता था, इतना ताजी। तो लोगों में पोषकता ज्यादा थी, तो ताकत भी ज्यादा थी, तो लोग काम भी अच्छा करते थे। जब से बिजली की चक्की के आटे में आए, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, सैकड़ों रोग आ गए। तो हम तो चाहते हैं कि हर गांव में ये हाथ चक्की चले, आटा बने, पैकेट में बंद हो, शहर में आकर बिके, और ये आटा ऑर्गेनिक होगा, पोषक होगा, तत्व वाला होगा, कोई भी खरीदेगा। तो पैसा शहर से गांव में जाएगा, ऐसा उद्योग हमें चलवाना। एक और उदाहरण देता हूं, तेल चाहिए आपको खाने के लिए, शुद्ध तेल सबको चाहिए, बाजार में मिलता नहीं, क्योंकि डिब्बा बंद जितने भी तेल है ना, इन सभी तेलों में मिलावट है। सरकार ने कानून से परमिशन दे रखी है मिलावट करने की, आपको मालूम है? एक पामोलिन नाम का तेल आता है मलेशिया से, वो तेल को मिक्स करके आप सरसों का तेल बेचो, नारियल का तेल बेचो, तिल का तेल बेचो, ये कानून है हमारे देश में। तो डिब्बे बंद सारे तेलों में पामोलिन तेल मिला है। पामोलिन तेल की मुश्किल ये है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। क्यों? उसको डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी का टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तब वो डाइजेस्ट हो सकता है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं टेम्परेचर। तो 37 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर पामोलिन ऑयल डाइजेस्ट ही नहीं होता। अब ऑयल डाइजेस्ट नहीं होगा तो खून में जमा रहेगा, खून गाढ़ा करेगा, और बहुत जल्दी हार्ट अटैक आएगा और आप मरेंगे, और मर रहे हैं। जब से ये डिब्बाबंद तेल आए हैं हिंदुस्तान में, हार्ट अटैक की संख्या रात दिन बढ़ती जा रही। मैं नहीं कहता, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों ने रिसर्च करके बताया कि 100 में से 90 पेशेंट वो हैं जो डिब्बाबंद तेल खाते हैं और हार्ट अटैक की शिकायत लेके एम्स में भर्ती हो जाते हैं। हमें क्या करना है? डिब्बाबंद तेल नहीं चाहिए ये पामोलिन वाला। हम तो गांव गांव में छोटी छोटी तेल की घाणियां लगाएंगे, वो बैल चलाता है ना कोल्हू, वो चलवाएंगे, उसमें से तेल निकलेगा, वो प्योर तेल होगा, वो आपको खिलाएंगे। अब आप कहेंगे जी वो तेल में तो कोलेस्ट्रॉल बहुत है। हाँ है, लेकिन कौन सा? अच्छा वाला। आप जानते हैं सभी तेल में कोलेस्ट्रॉल है, एक अच्छा और एक बुरा। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसको HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो सब तेलों में होता है जो शुद्ध है। और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जिसको LDL और VLDL कहते हैं, वो सब रिफाइंड तेलों में मौजूद है। तो घानी के तेल में तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, तो डरने की बात क्या? फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो तेल गाढ़ा गाढ़ा है, चिपचिपा है। चिपचिपाहट ही तो तेल है, अगर उसकी चिपचिपाहट निकाल दी तो तेल ही नहीं रहा, वो तो पानी हो गया। तो हम ये तेल गांव गांव पैदा करवाएंगे, जहां सरसों होती है वहां तेल हो सकता है, जहां तिल होता है वहां तेल हो सकता है, जहां नारियल होता है वहां तेल हो सकता है। सब तरह के तेल गांव से बनकर शहरों में आएंगे। तेल का बाजार 70,000 करोड़ रुपए का साल का है, तो गांव की अर्थव्यवस्था में हर साल हम 70,000 करोड़ रुपए डाल पाएंगे। और तेल पैदा करने के लिए मशीन नहीं चाहिए, वो कोल्हू चाहिए लकड़ी वाला, वो कहीं भी संभव है। ऐसे हमने लिस्ट किया तो 100 उद्योग हैं जो गांव गांव चल सकते हैं। बस समस्या इतनी है कि उनकी शुरुआत कराने के लिए जो पूंजी चाहिए, इनिशियल पेड अप कैपिटल, वो हमें मिल जाए तो। और वो पूंजी कहां से मिलेगी? स्विस बैंक का जो पैसा आ जाएगा उसमें से निकालेंगे। और मैंने इसका हिसाब निकाला कि ऐसे 100 उद्योग गांव गांव शुरू हो जाए तो 35 से 40 करोड़ गांव के नागरिकों को रोजगार इसमें मिल जाएगा पूरे देश में। तो जो 40 करोड़ अर्ध बेरोजगार है ना, वो यहां खपत हो जाएंगे।
और ये 40 करोड़ लोगों को अगर रोजगार मिला तो इनकी गरीबी खत्म, बेरोजगारी खत्म, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो वो डिमांड खड़ी करेंगे मार्केट में, फिर उस डिमांड की पूर्ति के लिए नए उद्योग लगेंगे, फिर उन नए उद्योगों में रोजगार मिलेगा, तो ये देश की गाड़ी चल पड़ेगी। हर साल हम 1,80,00,000 नए रोजगार इस देश में खड़े कर पाएंगे, और दुर्भाग्य या सौभाग्य हर साल इस देश में 1,80,00,000 ही नए बच्चे पैदा होते हैं, तो बेरोजगारी दर हम घटा सकते हैं, ऐसी योजना है। फिर इसमें कितने पैसे खर्च होंगे, इसमें हिंदुस्तान के हर गांव में 100 उद्योग हमें लगाने हैं, मुश्किल से 10 से 15 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। फिर हम के दूसरे कदम पे बढ़ेंगे, हर गांव में स्कूल चाहिए, पाठशाला चाहिए, हर गांव में हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, हर गांव में मेडिसिन चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था चाहिए। हमारी तो तैयारी ये है कि एक एक गांव में एक एक मेगावाट का पावर स्टेशन लगा दें। 4.5 करोड़ का खर्चा है, बहुत अधिक तो 5 करोड़ का, 6 करोड़ का, और 1 मेगावाट का पावर स्टेशन लग जाए तो बीच के 100-200 गांव के लिए पर्याप्त है। अभी हम बड़े बड़े पावर स्टेशन लगाते हैं, 400 मेगावाट के, 500 मेगावाट के, 600 मेगावाट के, छोटे भी लग सकते हैं, 1 मेगावाट के, 2 मेगावाट के, 4 मेगावाट के। मैं बहुत बात करता हूं नेताओं से, एक मंत्री हैं हमारे देश में, ऊर्जा मंत्री, वो महाराष्ट्र के हैं, मैं भी महाराष्ट्र का हूं। मैंने एक बार उनसे कहा कि 2-2, 3-3 मेगावाट के पावर स्टेशन क्यों नहीं लगा सकते, उन्होंने कहा लगा तो सकते हैं लेकिन इसमें खाने पीने का तो कुछ नहीं। अब बड़ा पावर स्टेशन लगेगा 400 मेगावाट का, 600 मेगावाट का, तो 4.5-5 करोड़ के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा, 1,000 करोड़ का बजट होगा, तो 10-20% मिलेगा नेताजी को और नेताजी के नीचे वालों को, तो कुछ तो आएगा। अब आप कहते हो 1 मेगावाट का लगा लो, वो है ही 4.5 करोड़ का, कहाँ खाएंगे, क्या बिछाएंगे। तो वो कहते लग तो सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, तो हमको तो ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। हम तो कह रहे हैं छोटे छोटे पावर स्टेशन लगाओ, जहां थर्मल लग सकते हैं वहां थर्मल लगाओ, जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक लग सकते हैं वहां वो लगाओ। हिंदुस्तान में बीसियों नदियां हैं जहां पूरे साल पानी है, तो वहां हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कर सकते हैं, बिजली की व्यवस्था पूरी हो सकती है। और अभी बिजली में तो आप जानते हैं 33-35% तो ट्रांसमिशन लॉस है, हम इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। अभी होता यह है कि बिजली पैदा होती है 1,000 वोल्ट की, फिर वो ट्रांसमिट होती है, फिर वहां जाके स्टेप डाउन करना पड़ता है, तब जाके हम वो यूज कर सकते हैं। यूज तो 110 105 वोल्ट ही करते हैं, 120 वोल्ट करते हैं, पैदा तो 11,000 वोल्ट की होती है। तो इसको नीचे लाने में जो खर्चा कर रहे हैं फालतू का, तो हम तो कह रहे हैं थोड़े छोटे स्टेशन बना लो, कम वोल्टेज की बिजली पैदा करा लो, वो घरों के काम में ले लो, और ये बड़ी बिजली है वो उद्योगों के काम में और रेल के काम में ले लो, इसको अलग अलग कर दो। अभी मुश्किल क्या हो रही है, बिजली पैदा होती है यहां, इस्तेमाल होती है 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर, तो फालतू में इतना क्यों खर्चा करना, जहां पैदा हो वहीं इस्तेमाल करो ना। बिजली तो एक ऐसी ही चीज है, जहां पैदा हो वहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, तब इसका खर्चा घटेगा। और मैंने पढ़ा, जाना, सीखा, देखा, जर्मनी में ऐसा है, फ्रांस में ऐसा है, बहुत देशों ने ऐसा किया हुआ, अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए, फालतू खर्चा घटाने के लिए उन्होंने किया हुआ, हम भी कर सकते। जर्मनी में तो इतना अद्भुत है, महिलाएं संभालती हैं बिजली का सारा मोर्चा, जितने पावर स्टेशन जर्मनी में है ना, मैक्सिमम पावर स्टेशन में महिलाएं हैं, सारी होल सोल चीफ, ऊपर से नीचे तक। एक बार मैंने पूछा एक जर्मन आदमी को, ये क्यों, तो उन्होंने कहा वो सेंसिटिव ज्यादा है, इसलिए हमने वहां लगा रखा उनको। तो उनको इतनी अकल है तो हमको भी है, हम भी कर सकते हैं।
तो बिजली का काम हम कर सकते हैं, उसके लिए मैंने कैलकुलेशन किया 2.5-3 लाख करोड़ से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा का हिसाब जोड़ा, उद्योगों का जोड़ा, सैनिटेशन का जोड़ा, चिकित्सा का जोड़ा, सब पूरा खर्चा करें तो 50 लाख करोड़ में हर गांव इस देश का वैसा ही हो सकता है जैसे शहर। शहर की सारी सुविधाएँ हर गाँव में हो सकती है, और शहरी सुविधाएँ गाँव में हो जाएँ तो शहर खाली हो जाएंगे, सब शहर वाले गांव में वापस चले जाएंगे, कौन रहेगा झुग्गी झोंपड़ियों में फिर। अभी तो गांव के लोग विस्थापित होकर शहर में आते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में जीवन बिताते हैं, नरक का जीवन है। जहां आप रूमाल नाक पर रख के 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, वहां लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है इस देश में। और 65% आबादी हमारे देश की झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है, हमें इस आबादी को गांव में वापस भेजना है, ये तभी संभव है। तो सारे देश के विकास का काम 50 लाख करोड़ में हो जाएगा। अब बच गया 60 लाख करोड़, अब क्या करें इसका? उस बचे हुए पैसे को हम कहेंगे कि भाई फिक्स डिपॉजिट में डाल दो भारत माता के नाम से, तो 10% का भी ब्याज मिलेगा, तो साल का ब्याज 6 लाख करोड़ हो गया। अब ये 6 लाख करोड़ इतना ब्याज है कि हम पूरा बजट बना सकते हैं एक पैसा भी टैक्स लगाए बिना, बिना टैक्स का बजट। टैक्स खत्म कर दो, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, वैल्यू एडेड, सब टैक्स खत्म करो। और जो स्विस बैंकों से आए हुए पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखा, उसके ब्याज के पैसे से देश का बजट चला लो, टैक्स सब खत्म हो जाए, हर चीज की कीमत 70% घट जाएगी। जो चीज आपकी 10 रुपए की है वो 3 रुपए की हो जाएगी, जो 100 रुपए की है वो 30 रुपए की हो जाएगी, जो 1000 रुपए की है वो 300 रुपए की हो जाएगी। जब चीजें सस्ती होंगी तो गरीब से गरीब आदमी को दाल खाने को मिल जाएगी, सब्जी खाने को मिल जाएगी। अभी तो दाल हिंदुस्तान के गरीबों की थाली में से दूर हो गई है, क्योंकि 65 रुपए किलो है, कैसे खाएं? 80 रुपए किलो है। तो हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी अपना जीवन आसानी से बिता सके, महंगाई कम हो, महंगाई कम हो, इन्फ्लेशन कम हो, इन्फ्लेशन कम हो तो कम आमदनी में भी मजे से जीवन चलेगा आपका। अभी आपके महीने के 10,000 भी कम पड़ते हैं आपको, फिर 5,000 से भी कम में घर खर्च आसानी से चल जाए। ये काम हम करना चाहते हैं। और एक काम करना चाहते, ये सारा पैसा जो स्विस बैंक से आ जाएगा तो ये सब डॉलर्स में आएगा, रुपए में हम नहीं लाने वाले। क्यों लाएं रुपए में? गया है डॉलर्स में तो डॉलर्स में ही लाएंगे। और अच्छा हो सोने में दे दो हमको, डॉलर भी नहीं चाहिए सोना दे दो। स्विट्जरलैंड के पास इतना सोना है नहीं, वो दिवालिया हो जाएगा, तो वो देंगे तो डॉलर्स में ही देंगे। तो ये सारा धन जब डॉलर्स में आएगा तो मतलब क्या है, हमारी इकोनॉमी में डॉलर्स का फ्लो बढ़ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि डॉलर्स की डिमांड हिंदुस्तान की इकोनॉमी में घट जाएगी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा डॉलर जब आपके पास आ जाएगा तो डिमांड क्यों रहेगी इतनी। जब डॉलर की डिमांड घटेगी तो डॉलर की कीमत भी घटेगी, और डॉलर की कीमत घटेगी तो रुपए की कीमत बढ़ेगी। अभी $1 में 50 रुपया है, हो सकता है ये सारा धन आने के बाद $1 में 1 रुपया हो जाए, हो सकता है $1 में 7 रुपया हो जाए, लेकिन होने वाला तो है। अब डॉलर जितना घटेगा और रुपया जितना बढ़ेगा, हमारा लिया हुआ विदेशी कर्ज उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? हमने विदेशी कर्ज लिया $1 में 50 रुपए के हिसाब से, और कल को $1 में आ गया 7 रुपया, तो हमें तो पेमेंट करना है 7 रुपए के हिसाब से, तो कर्जा कम हो गया, कर्जे का ब्याज कम हो गया, कर्जा कम कर्जे का ब्याज कम तो भारत से पैसा जाना और कम हो गया, तो देखो कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक मजे का काम होगा, डॉलर अगर कम हुआ रुपया बढ़ा तो एक्सपोर्ट इनकम बढ़ जाएगी हमारी। अभी हम 50 रुपए का माल बेचते हैं तो $1 मिलता है, फिर 7 रुपए का ही माल बेच के $1 मिल जाएगा, हो सकता है 1 रुपए का माल बेचने में ही $1 मिल जाए। तो मैं तो सपना देखता हूं कि हमारी एक्सपोर्ट इनकम हो सकता है 50 गुनी बढ़ जाए, और इंपोर्ट का खर्चा घट जाएगा क्योंकि रुपया मजबूत हो जाएगा।
तो इंपोर्ट का खर्चा घटा और एक्सपोर्ट की आमदनी बढ़ी, तो व्यापार में जो सरप्लस है वो हमारे फेवर में हो जाएगा। और ट्रेड सरप्लस अगर हम कर पाए तो सारी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हमको सलाम करेगी, जैसे चाइना को सलाम करते हैं, क्योंकि चाइना ट्रेड सरप्लस वाला देश है। सारी दुनिया झुक के सलाम करती है चाइना, अमेरिका भी सलाम करता है चाइना, तो हमारी हैसियत भी चाइना जैसी हो सकती है। और हो सकता है थोड़े दिन में हम चाइना के भी आगे निकल जाएं। ये सब कुछ हो सकता है अगर हम सब इकट्ठे होकर करने का संकल्प करें तो। और एक दो छोटी बातें बताता हूं और क्या क्या हो सकता है। जैसे ही रुपए की कीमत बढ़ी और डॉलर की कीमत घटी, तो भारत की सारी संपत्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 गुनी महंगी हो जाएगी, सारी संपत्ति। मैं एक छोटे से उदाहरण से बात समझाऊं। हम अभी आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं, एक डॉलर में 50 रुपए है, तो हमारा आयरन ओर बिकता है 15 पैसे किलो। और जब एक डॉलर में एक रुपया हो जाएगा तो यही आयरन ओर बिकेगा 7 रुपए किलो लगभग। तो अभी जितना आयरन ओर एक्सपोर्ट करके हम कमाई करते हैं, बहुत थोड़े आयरन ओर में उतनी ही कमाई हमारी हो जाएगी। और फिर तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आयरन ओर क्यों बेचें, स्टील बना के बेचेंगे ना, आयरन ओर क्यों बेचें, बॉक्साइट क्यों बेचें, एल्यूमिनियम बना के बेचेंगे, हम तो फिनिश प्रोडक्ट बेचेंगे। तो पॉलिसीज में हमें कुछ कुछ चेंज करा के, इकोनॉमिक लेवल पे कुछ कुछ चेंज करा के, कुछ चेंजेस हैं जो माइक्रो लेवल पे हैं, कुछ चेंजेस हैं जो मैक्रो लेवल पे हैं, ये सारे परिवर्तन हम कर सकते हैं और इस देश को एक हंसता खेलता खुशहाल समृद्धि वाला संपत्ति वाला देश बना सकते हैं, जो अभी गरीब देश की गिनती में है। और बहुत सारे काम हो सकते हैं। आपको और छोटी छोटी बात बताऊं, डॉलर रुपया बराबर हो जाए ना तो एक लीटर पेट्रोल 18 रुपए का मिलेगा आपको, एक लीटर डीजल 13-14 रुपए का मिलेगा, एक रसोई गैस सिलेंडर 45 रुपए का मिलेगा। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना और वापस न्यूयॉर्क से दिल्ली आना मात्र 3-4 हजार रुपए में हो जाएगा, जो अभी 90 हजार में होता है। इतनी चीजें सस्ती हो जाएंगी। आपके बेटे या बेटी को इंजीनियरिंग कराना पड़ता है तो 5 साल में 12-15 लाख खर्च हो जाता है, फिर मुश्किल से 25 हजार खर्चे में ही आपका बेटा इंजीनियर हो जाएगा। MBBS की पढ़ाई करानी है, 50-60 हजार में हो जाएगी। सारी महंगाई उसी हिसाब से कम होगी जिस हिसाब से रुपए की कीमत बढ़ेगी। आपको नहीं लगता रामराज्य आ जाएगा? आप बोलोगे ये शेख चिल्ली के सपने क्यों दिखा रहे हो, ऐसे ही कहोगे ना। मेरा ये कहना है कि दुनिया में हर हकीकत पहले एक सपना ही होती है, हम जब उस पर काम करने लगते हैं तो वो सपना हकीकत में बदल जाता। जर्मनी, दोनों देशों के नागरिकों ने 45 साल सपना देखा था कि हम एक होंगे, एक होंगे, एक होंगे। 45 साल के बाद एक हुए। अमेरिका के लोगों ने 250 साल सपना देखा कि एक काला आदमी हमारा राष्ट्रपति बनेगा, बनेगा, बनेगा। मार्टिन लूथर किंग के जमाने से, अब्राहम लिंकन के जमाने से बात चल रही थी, अब बन गया। बस इतना ही है, सपना देखा जाता है, उसके लिए प्रयास किया जाता है तो हकीकत में बदल जाता है। अभी ये सपना है, थोड़े दिन में हकीकत होगा, आप सब हम सब मिल जाएं तो। ये हमें करना है। और एक छोटा सा काम करना है कि इस हिंदुस्तान में रुपए की कीमत बढ़ा के डॉलर की कीमत घटा के हम एक बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। वो क्या? हमारे देश में आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत आ गए, पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, पामोले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीवा गाएगी, सेंडोज, बाटा, एडिडास, प्यूमा, बटरफ्लाई, लोटो, कोल्ट, ये सब विदेशी घुस पड़े इस देश में और हमारी सरकारों ने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, आ जाओ, आ जाओ, लूटो इस देश को, लूटो।
1942 में कहा हमने विदेशियों को क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। अब 2009 में कह रहे हैं वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। जिनको भगाया था उन्हीं को बुला रहे। अंतर बस इतना ही है कि भगाने वालों में ऊधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, झांसी की रानी, इन्होंने भगाया था अंग्रेजों को। बुलाने वालों में मनमोहन सिंह, शरद यादव, शरद पवार, फिर हमारे अमर सिंह, फिर ये सिंह और वो सिंह। अंतर इतना ही है, भगत सिंह, मनमोहन सिंह, इतना ही अंतर है। कोई मुझे जब पूछता है ना आजादी के 60 साल में देश ने क्या खोया क्या पाया, तो मैं एक वाक्य में कहता हूं इसको, आप मेरे दिल का दर्द समझ लेना, इस पे हंसना नहीं। आजादी के 50 साल में इस देश ने क्या खोया क्या पाया? हमने भगत सिंह को खोया, ऊधम सिंह को खोया, चंद्रशेखर आजाद को खोया, और हमने अमर सिंह को पाया। ये है 50 साल की यात्रा। अब अमर सिंह नाम नहीं है, प्रतीक है, और वो प्रतीक है इस देश में हर उस बात का जिसको आप खराब से खराब शब्दों में कहना चाहें तो कह लीजिए। ये है आजादी के 50 साल। इसको हम रिवर्स करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं फिर से भगत सिंह हो, फिर से ऊधम सिंह हो, फिर से चंद्रशेखर हो, फिर से तांतिया टोपे हो। हो सकते हैं हमारे संकल्पों से, परिस्थितियों में से। हमको ये लोग नहीं चाहिए जो आज हमारे राजनीतिक शिखर पर बैठे हुए। इनमें तो किसी में ना कोई शऊर है, ना कोई काम करने की क्षमता है, अकल भी नहीं है, हिंदुस्तान के बारे में समझ भी नहीं है। आप देखो ना हमारे देश में कैसे कैसे लोग मंत्रालय में बैठते हैं। जिसने कभी हिंदुस्तान के किसी गांव में चाय की एक दुकान नहीं चलाई वो कॉमर्स मिनिस्टर। जिसको फाइनेंस का ABCD नहीं आता वो फाइनेंस मिनिस्टर। जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर नहीं मालूम है कि साइंस क्या होती है और टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। जिंदगी में जिसने स्कूल के मुंह नहीं देखे वो एजुकेशन मिनिस्टर। कभी हल नहीं चलाया इस देश के खेत में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर। कभी चरखा भी नहीं चलाया, सूत भी नहीं काटा, वो टेक्सटाइल मिनिस्टर। और ये लंबी लिस्ट होते होते अंत में जिसने कभी कुछ नहीं किया वो प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट, आपको बिना नाम लिए कहता हूं, इस देश में कुछ प्रेसिडेंट ऐसे भी हुए हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, प्रेसिडेंट हो गए। आप क्या करेंगे? आपके नगर में अगर मैं आऊं ये कहने के लिए कि मुझे नौकरी चाहिए, तो आप कहोगे मिस्टर राजीव दीक्षित आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन कल को अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन के आ गया तो आप ही मेरे गले में मालाएं डालोगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो। तब क्या कर लोगे आप? राज्यपाल बन के आ गया तब क्या कर लोगे? वाइस प्रेसिडेंट बन के आ गया तो क्या कर लोगे? मतलब बहुत साफ है, व्यवस्था ऐसी है कि अज्ञानी आदमी ज्ञानियों पर शासन करता है इस देश में। यही इस देश की सबसे बड़ी कमनसीबी है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते। हम सिर्फ आर्थिक रूप से ही देश को समृद्धशाली नहीं देखना चाहते, इस देश की दूसरी व्यवस्थाओं को भी बदलना चाहते। एजुकेशन हम बदलना चाहते हैं, शिक्षा बदलना चाहते, क्योंकि शिक्षा हमारे देश में आज ऐसी है जो पैसे पर बिकती है। पैसे हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो सिर्फ सपना देख सकते हैं। हमारा भारत दुनिया में अकेला एक ऐसा देश रहा है जहां शिक्षा को कभी पैसे से नहीं जोड़ा गया, शिक्षा हमेशा से इस देश में निःशुल्क रही। अगर शिक्षा पैसे से जुड़ती तो सुदामा कभी श्री कृष्ण के साथ पढ़ नहीं सकते थे गुरुकुल में,
क्योंकि सुदामा के पास तो कुछ नहीं था, श्री कृष्ण के पास तो सब कुछ था। श्री कृष्ण करोड़पति थे, सुदामा रोडपति थे, फिर भी दोनों एक ही क्लास में, एक ही जगह बैठकर, एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे, क्योंकि शिक्षा पैसे से बिकती नहीं थी। जिस देश में शिक्षा कभी बिकाऊ न रही हो, उस देश में आज शिक्षा पूरी तरह से व्यापार बन चुकी है। हमें ये बदलना है, ये ठीक नहीं। ज्ञानी व्यक्ति गरीबों के घर में भी पैदा हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अमीरों के ही घर में है तो वो वंचित रह जाएं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है। हिंदुस्तान में हर ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास पैसे नहीं, उसके भी बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का उतना ही अधिकार है जितना किसी करोड़पति के बच्चे। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं इस देश। आप बोलेंगे आएगी कहां से? बहुत आसान है, हिंदुस्तान के बजट को उल्टा कर दो, आ जाएगी। अभी जो नेताओं पे खर्चे हो रहे हैं ना, ये खर्चे नेताओं के घटा के शिक्षा पे करने लगो, व्यवस्था हो जाएगी। राष्ट्रपति का एक साल का खर्चा 27 करोड़ का है, एक दिन का 7.5 लाख रुपए का है, क्यों होना चाहिए इतना खर्चा राष्ट्रपति पे? प्रधानमंत्री का खर्चा एक साल का 25 करोड़ का है, उप प्रधानमंत्री का अगर पोस्ट हो जाए तो 22 करोड़ का है, सारे मंत्रियों का 850 करोड़ का है, मुख्यमंत्री और राज्यपालों का मिला दिया जाए तो 77,000 करोड़ का है, और सारे के सारे कर्मचारियों का और पब्लिक सेक्टर और सबका इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो 3.25 लाख करोड़ का है। ये खर्चा इतना क्यों होना चाहिए? जब आपके सबसे गरीब आदमी को एक दिन में 20 रुपए नहीं है खर्च करने को, और राष्ट्रपति पर एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च हो, इससे बड़ा अपराध क्या होगा, क्राइम क्या होगा? क्यों होना चाहिए इतना खर्चा? जब इस देश का राष्ट्रपिता झोपड़ी में रह सकता है तो राष्ट्रपति क्यों नहीं रह सकता? इस देश के लोगों की उंगली पकड़कर आजादी दिलाने वाला महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी अगर झोपड़ी में रहकर आजादी दिला देता है तो आजादी के बाद के नेता झोपड़ियों में क्यों नहीं रह सकते? क्यों इतना खर्चा होना चाहिए उनके ऊपर? और हमारा ये कहना है कि हमारे बच्चे अगर म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में पढ़ सकते हैं तो नेताओं के बच्चे क्यों नहीं पढ़ने चाहिए म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में? उनके बच्चे अमेरिका और यूरोप में क्यों जाने चाहिए? हमारा इलाज अगर सरकारी अस्पतालों में होता है तो मंत्रियों का इलाज क्यों नहीं होना चाहिए सरकारी अस्पतालों में? वो क्यों एम्स में भर्ती होते हैं? उनके कोई विशेष अधिकार हैं इसलिए ना? हम तो विशेष अधिकार खत्म करना चाहते हैं। आप दुनिया के तमाम देशों में जाओ, फ्रांस में जाओ, जर्मनी में जाओ, डेनमार्क में, स्वीडन में, कहीं भी चले जाओ, शाम को 5 बजे के बाद उस देश के राष्ट्रपति आपको सब्जी खरीदते हुए अपना थैला लटकाते हुए दुकानों में दिखाई दे जाएंगे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। भारत में क्यों नहीं हो सकता? साधारण आदमी की तरह जिंदगी क्यों नहीं बिता सकते? उनको जेड सिक्योरिटी क्यों चाहिए? वो कहते हैं जी इनको मरने का डर है, तो मरने का डर है तो राजनीति में क्यों आए, घर में बैठो। अगर इतना रिस्क नहीं ले सकते तो किसने कहा था पॉलिटिक्स में आने के लिए? घर बैठो ना, अपना धंधा करो, बिजनेस करो। हमारे यहां तो जिन लोगों को मरने का डर नहीं था वही लोग राजनीति में आए थे, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, जिनको मरने का ही डर नहीं था, जवान जिंदगी को दांव पे लगा देने का डर नहीं था, वही पॉलिटिक्स में आए थे। तो आजादी के बाद मरने का डर क्या है? सिक्योरिटी पर इतना खर्चा क्यों? और मेरा एक ही कहना है कि अगर इन नेताओं ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो इनको चिंता क्या मरने की, कोई मारेगा क्यों? और अगर इन्होंने बिगाड़ा ही बिगाड़ा है तो इनको क्यों नहीं मार देना चाहिए, क्यों जिंदा रखना? आप बताओ ना, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? भगवान आपकी रक्षा करेगा। और जो जिंदगी भर बिगाड़ा है तो आपको जिंदा क्यों रहने दिया जाए, क्यों नहीं खत्म कर दिया जाए आपको इस व्यवस्था में?
तो ये फालतू के खर्चे जो नेताओं पर हो रहे हैं, यही खर्चे को खत्म करके हम शिक्षा में खर्चा करने लगे तो हर गरीब आदमी का बच्चा बिना एक पैसा दिए पढ़ाई कर सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर, आईएएस, आईपीएस बन सकता है। थोड़ा सा चेंज करना है सिस्टम। हमारा मानना है कि सारे सांसद, सारे विधायक वैसे ही साधारण तरीके से रहें जैसे इस देश का आम आदमी रहता है, क्योंकि वो उसके प्रतिनिधि हैं, वो करोड़पतियों के प्रतिनिधि नहीं है, वो आम आदमी के प्रतिनिधि है, गरीब आदमी के प्रतिनिधि। तो हम ये परिवर्तन चाहते हैं और हमारे ये सारे के सारे उद्देश्य एक ही बात को कहते हैं कि हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता में नहीं। सत्ता में कांग्रेस रहे या बीजेपी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं ये सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए। और वैसे भी ये सिस्टम जो चल रहा है ये कॉलोनियल है, अंग्रेजों का दिया हुआ है। आपको मालूम है हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था टीबी मैकॉले की बनाई हुई ड्राफ्टिंग पे चलती है, और टीबी मैकॉले ने 1840 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया। अब आजादी के इतने साल के बाद हम क्यों ढोएं उसको, खत्म करो उसको, नया ड्राफ्ट बनाओ, नया पाठ्यक्रम बनाओ, नया अभ्यासक्रम तैयार करो। हमारी जो कानून व्यवस्था है वो आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी पे चलती है, ये तीनों अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं 1860 के। अब 1860 का आईपीसी 2009 में क्यों चलेगा और क्यों चलना चाहिए? अंग्रेजों ने कभी इंडियन पुलिस एक्ट बनाया 1860 में, अब वो 2009 में क्यों चलना चाहिए? इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया 1860 में, अब वो क्यों चलना चाहिए 2009 में? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया 1890 में, अभी क्यों चलेगा वो? ये सब कानून तो अंग्रेजों ने भारत पर राज्य करने के लिए और भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाए, ये सब कानून आजादी के बाद क्यों चलने चाहिए? खत्म हो जाने चाहिए, 1947 में इनको खत्म होना चाहिए था। नहीं हुए क्योंकि नहीं किए गए, क्योंकि इस देश में हुआ इतना ही कि गोरे अंग्रेजों के हाथ से काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, आजादी नहीं आई, स्वतंत्रता भी नहीं आई, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ। और अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों की एक फौज तैयार कर दी थी जिनके हाथों में वो सत्ता सौंप कर गए। विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा और क्लेमेंट आर एटली ने उसको एंडोर्स किया। विंस्टन चर्चिल कहता है कि हमें हिंदुस्तान को आजादी नहीं देनी है, सत्ता का हस्तांतरण करना है, और सत्ता भी ऐसे लोगों के हाथ में देनी है जो आत्मा से अंग्रेज हो, शरीर से भले हिंदुस्तानी हो। तो पूछ रहा है क्लेमेंट आर एटली कि ये तो आपने धर्म संकट खड़ा कर दिया, आजादी देनी नहीं, स्वतंत्रता देनी नहीं, सत्ता का हस्तांतरण करना है, और हस्तांतरण भी ऐसे लोगों के हाथ में जो आत्मा से अंग्रेज हो, तो बता तो दो कौन कौन है भारत में जो आत्मा से अंग्रेज हैं। तो विंस्टन चर्चिल ने एक ही सेंटेंस में कहा था, देखो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई है, वो सब आत्मा से अंग्रेज हैं, सत्ता उन्हीं के हाथ में दो। और अंग्रेजों ने ताकत लगा दी इस बात पर कि इस लिस्ट के अलावा दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर होना नहीं चाहिए भारत में। एटली कहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हमको कोई परवाह नहीं है, सत्ता जब ऐसे भारतीयों के हाथ में जाएगी जो आत्मा से अंग्रेज हैं, शरीर से भारतीय हैं, तो ये वही करेंगे जो हम कर रहे थे पिछले 250 साल, और ये उसी रास्ते पे चलेंगे जिस पर हम भारत को चलाएंगे। माने भारत आजाद होगा ही नहीं, स्वतंत्रता कभी आएगी ही नहीं। और वही हुआ, जब अंग्रेजियत की आत्मा वाले लोग आकर बैठ गए ना, तो बहस होना शुरू हो गई इस देश की संसद में। पता है बहस किस बात पर हुई? अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी भाषा रखनी चाहिए कि नहीं, अब इस पर बहस क्या? आप बताओ दुनिया के किस देश ने गुलामी के खत्म होने के बाद गुलामी की भाषा को अपने यहां जिंदा रखा? चाइना गुलाम हुआ अंग्रेजों का, आपको मालूम है ओपियम ट्रेड वॉर में, लेकिन आजाद होते ही उन्होंने अंग्रेजी को हटा दिया, चाइनीज ही रही पूरे चाइना में।
जापान पे कभी अंग्रेजों का कब्जा हुआ, आजादी के बाद जापान के लोगों ने अंग्रेजी पढ़ना बंद कर दिया, नफरत हो गई उनको अंग्रेजी से, और आज हैसियत ये है कि जापान का प्रधानमंत्री अंग्रेजी जानता नहीं, राष्ट्रपति भी अंग्रेजी जानता नहीं, और सारी दुनिया में व्यापार करते हैं। जर्मनी के लोगों ने अंग्रेजी को जड़मूल से खत्म कर दिया अपने देश में से, फ्रांसीसियों ने अंग्रेजी को जड़मूल से खत्म कर दिया अपने देश में से, और तो और इजिप्ट जैसे देशों ने आजादी के बाद अंग्रेजी को जड़मूल से खत्म कर दिया। हर देश का इतिहास पढ़ो तो एक ही बात समझ में आती है कि किसी देश ने पराई भाषा को, विदेशी भाषा को अपने यहां राज्य भाषा नहीं बनाया, राष्ट्रभाषा नहीं बनाया, हम हिंदुस्तानियों ने किया। ये काम शर्म आती है मुझे। संविधान में ये एक धारा डाल दी गई कि 10 साल तक अंग्रेजी में काम होगा, फिर बदल दी जाएगी, और वो 10-10 साल करके 2009 आ गया, अभी तक अंग्रेजी बदली नहीं जा रही है। जिस अंग्रेजी को भारत के 1 करोड़ लोग नहीं जानते, उसी में पूरी राज्य व्यवस्था चलाई जा रही है। कितना बड़ा क्रूर है ये देश का तंत्र कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं कोई मुकदमे की फरियाद को लेकर, तो अंग्रेजी में ही ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी पिटीशन, और अंग्रेजी में ही बहस करनी पड़ेगी, और फैसला भी अंग्रेजी में आएगा जबकि मैं नहीं जानता उसे। मुझे न्याय मेरी मातृभाषा में क्यों नहीं मिलना चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कोई लंदन से आए हुए लोग नहीं है, इंग्लैंड से आए हुए लोग नहीं है, वो इसी देश की माटी में पैदा हुए हैं, उनको हिंदी क्यों नहीं आनी चाहिए, कन्नड़ क्यों नहीं आनी चाहिए, मराठी क्यों नहीं आनी चाहिए? और अगर वो कन्नड़ मराठी हिंदी नहीं सीख सकते तो उनको पैकअप करके लंदन ही भिजवा देना चाहिए, इस देश में उनकी जरूरत क्या है? हम ऐसे न्यायाधीशों का खर्चा अपने टैक्स के ऊपर कैसे बोझा ले सकते जो हमारी मातृभाषा में फैसले नहीं दे सकते? अपने न्याय की फरियाद करने का अधिकार अगर मेरी मातृभाषा में मुझे नहीं है तो और क्या अधिकार आप मुझे देंगे? मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, मेडिकल साइंस में पढ़ना चाहता हूं, मेरी मातृभाषा में उसकी सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश में? सारी दुनिया के इंजीनियर जापानीज में तैयार होते हैं, फ्रेंच में, जर्मन में तैयार होते हैं, तो भारत के इंजीनियर हिंदी में क्यों नहीं तैयार हो सकते, मराठी में क्यों नहीं तैयार हो सकते? इस भाषा की गुलामी को तो खत्म करना ही पड़ेगा, शायद वैसे ही करना पड़ेगा जैसे अंग्रेजों की गुलामी को हमने खत्म किया, शायद अंग्रेजों को जिस तरह से हमने मार के भगाया इस देश से, वैसे ही अंग्रेजियत को भी मार के ही भगाना पड़ेगा इस देश से, ये जाएगी नहीं आसानी से। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें इस देश के साधारण नागरिक को मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार हो, कितनी भी ऊंची पढ़ाई, मातृभाषा में न्याय का अधिकार हो, कितना भी ऊंचा न्याय, मातृभाषा में उसको पत्र मिले प्रशासन के और शासन के, मातृभाषा में ही उसका सारा काम चले, वो अंग्रेजी क्यों सीखे? क्योंकि इंग्लैंड में कोई हिंदी नहीं सीखता तो हम अंग्रेजी क्यों सीखे? इंग्लैंड का कोई माँ बाप इस बात के लिए परेशान नहीं है कि उसके बेटे या बेटी को हिंदी नहीं आती, तो हमारे माँ बापों को क्यों परेशान होना चाहिए कि हमारे बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती? सिर्फ इसलिए कि सरकारी नौकरी अंग्रेजी में ही मिलती है, कानून बदल दो, सरकारी नौकरियों को मातृभाषा में देना शुरू करो, अंग्रेजियत का भूत सबके सिर से एक झटके में उतर जाए। ऐसा कानून हम चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए जितने भी कानून है, वो शिक्षा के हों, न्याय के हों, चिकित्सा के हों, स्वास्थ्य के हों, सब खत्म करना है, और ऐसे कानून की संख्या 34,735 है, वो सब खत्म करना हम चाहते हैं। और वो खत्म होंगे तभी हमारे शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो उनको शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि जिन कानूनों के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने प्राण दिए हैं, अगर वही कानून आजादी के 60 साल बाद भी चल रहे हैं तो शहीदों को कौन सी श्रद्धांजलि हम दें? एक अंग्रेजी कानून है, उसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। इस एक अकेले कानून में हिंदुस्तान के लाखों क्रांतिकारी मारे गए।
क्योंकि इस कानून में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले किसी भी भारतीय को राइट टू डिफेंस नहीं है। पुलिस अधिकारी आपके ऊपर डंडे की बरसात कर सकता है, आप उसका डंडा नहीं पकड़ सकते। अगर डंडा पकड़ लिया तो केस आपके खिलाफ बनेगा कि आपने उस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका। ये कानून है, इंडियन पुलिस एक्ट। और इसी कानून में लाखों क्रांतिकारी शहीद हुए हैं। लाला लाजपत राय अंग्रेजी पुलिस अधिकारी की लाठियां खा खा कर ही शहीद हुए हैं। उनकी आत्मा को क्या श्रद्धांजलि दें और क्या जवाब दें कि जिस अंग्रेजी कानून से आपकी हत्या की गई थी, आजादी के 62 साल के बाद भी वो चल रहा है इस देश में। क्यों चलना चाहिए? खत्म करना पड़ेगा इस कानून को। सारे कानून जो अंग्रेजों ने बनाए 34,735, वो खत्म करना है। इसके लिए भारत स्वाभिमान अभियान हम चला रहे हैं। भारत को खाली आर्थिक रूप से समृद्धशाली ही नहीं बनाना चाहते हैं, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी ताकतवर देश बनाना चाहते हैं। और एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो हमारे शहीदों के सपनों को पूरा करता हो। इस देश में एक क्रांतिवीर हुए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने इस देश के लोगों को एक बात सिखाई। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अगर नहीं अपनाओगे तो स्वराज्य नहीं आएगा, इसलिए स्वदेशी की आदत डालो, स्वराज्य अपने आप आएगा। और ये कहा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी लूटमार करती थी इस देश में। अंग्रेजों की कंपनी को भगाना था तो अंग्रेजी कंपनी का माल खरीदना बंद करो, ये समझाया उन्होंने और देश के लोगों ने समझा। उन्होंने सालों साल स्वदेशी आंदोलन चलाया इस देश में। 5-6 लोगों की मदद से तिलक ने आंदोलन शुरू किया था। 6 साल में 1,24,00,000 कार्यकर्ता उनके आंदोलन में सदस्य हुए। और उस आंदोलन की ताकत इतनी बड़ी थी, 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा कर दिया था हिंदू मुसलमान के आधार पर। ये स्वदेशी आंदोलन की ताकत पर बंगाल का बंटवारा रद्द कराया गया 1911 में, और अंग्रेजों की पराजय हुई थी उस आंदोलन के कारण। सारे भारतवासियों ने अंग्रेजी कपड़े पहनना बंद कर दिया, अंग्रेजी कपड़े खरीदना बंद कर दिया, अंग्रेजी चीनी खाना बंद कर दिया, अंग्रेजी ब्लेड इस्तेमाल करना बंद कर दिया। सारा देश स्वदेशी के रंग में रंग गया। फिर गांधी जी आ गए, उन्होंने इसको और तेजी से चलाया और ये देश एक दिन अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। क्योंकि अंग्रेजों का माल बिकना जब बंद हो गया तो बिजनेस खत्म हो गया, तो प्रॉफिट मिलना बंद हो गया, तो वो झक थोड़ी मारते यहां रह के, वो चले गए। अब हमें फिर वही स्वदेशी आंदोलन चलाना है। क्यों? बात ऐसी है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमने चलाया था, अब 5,000 विदेशी कंपनियां फिर आ गई हैं इस देश में, उनके खिलाफ चलाना। कैसे आ गई? मैंने बताया ना, भगत सिंह थे पहले, अब मनमोहन सिंह है। भगत सिंह कहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, मनमोहन सिंह कहते हैं फिर से आ जाओ, दरवाजा खुला है। तो पेप्सी कोला को बुला लिया, कोका कोला को, थम्सअप को, लिम्का को, सिट्रा को, मिरिंडा को, हजारों कंपनियों को बुला लिया। गांव गांव कारखाने लगवा दिए, उनका माल बिकने लगा। अब हम वो माल खरीदने लगे तो उन कंपनियों को प्रॉफिट होने लगा, अब वो प्रॉफिट लूट कर फिर यहां से लेके जा रहे, और सरकार उनकी मदद कर रही है इस काम में। सरकार को थोड़ा टैक्स मिल रहा है, देश का करोड़ों रुपए लूट रहा है। और लूट कैसे रहा है? पेप्सी कोका कोला दो अमेरिकन कंपनियां हैं, मार्केट में बॉटल बेचती है सॉफ्ट ड्रिंक की। एक बॉटल 10-12 रुपए की वो बेचते हैं, उस बॉटल को मात्र 70 पैसे में बनाते हैं वो, और 12 रुपए में बेचते हैं। अगर आप उनका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे ना तो हजारों प्रतिशत में है। पानी बेचने का प्रॉफिट मार्जिन हजारों प्रतिशत। एक साल में वो 700 करोड़ बोतल बेच लेते हैं। कैसे? तेंदुलकर उनके लिए विज्ञापन करता है, आमिर खान उनके लिए विज्ञापन करता है, शाहरुख खान उनके लिए विज्ञापन करता है, सलमान खान उनके लिए, ये नाचने गाने वाले सब नचनिये गवनिये उनके लिए विज्ञापन करते। और हमारे देश के मूर्ख लोगों ने इन नाचने गाने वालों को हीरो बना रखा है। इस देश के बच्चों को पूछो तुम्हारा हीरो कौन, कहते हैं सन्नी देओल,
आमिर खान, सलमान खान, किसी का हीरो अब भगत सिंह नहीं है, हीरोइन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ऐश्वर्य रॉय है, करिश्मा कपूर है, ऐसा चक्कर फंस गया। अब ये नाचने गाने वालों को पैसे चाहिए, पैसे के लिए वो कुछ भी करते हैं। आपको तो मालूम है सलमान खान पैसे के लिए शर्ट उतार के डांस करता है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, एक बार सलमान खान को मैंने ईमेल किया था, मैंने कहा भाई तुम बार बार ये शर्ट क्यों उतारते हो, तुमको कुछ खाज हुई है, खुजली हुई है, कुछ स्किन की प्रॉब्लम हुई है, क्या चक्कर क्या है, ये बार बार शर्ट उतार के डांस क्यों करते हो? तो उसने कहा पैसे मिलते हैं, कितने? 70 लाख शर्ट उतारने के। तो मैंने कहा 1 करोड़ मिलेंगे फिर। एक करोड़ में पेंट भी उतारेगा, और 2 करोड़ मिल जाए फिर कुछ भी उतारेगा। ये तो नाचने गाने वाले लोग हैं, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। अब पैसे मिलते हैं तो वो विज्ञापन करते हैं, हम लोग वो विज्ञापन देखते हैं तो फिर पेप्सी कोक पीते हैं, फिर हम पैसा अमेरिका को भेजते हैं। एक बोतल अगर हमने पेप्सी पी लिया तो 8 रुपए भारत देश का अमेरिका को दे दिया, 2 बोतल पी लिया 16 रुपए दे दिया, 3 बोतल पी लिया 24 रुपए। साल में 700 करोड़ बोतल हम पी जाते हैं, 5600 करोड़, 5600 करोड़ हम अमेरिका को दे देते हैं। जिस देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, उस देश के लोग पेप्सी कोक पीकर 5600 करोड़ रुपए अमेरिका को देते हैं और अपने को बहुत होशियार समझते हैं। उनको पूछो भाई क्या पी रहे हो, कहते हैं जी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। क्या मिलाया हुआ है इसमें, मालूम नहीं, पी रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को मैं पूछता हूं कुछ मजा आता है, कहते नहीं मजा नहीं आता, नाक में जलन होती है, गले में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, आंख में से आंसू निकलते हैं, फिर पीते क्यों? वो कहते हैं इसलिए पीते हैं, आमिर खान कहता है। आमिर खान को पूछ लो, वो पीता है क्या? वो नहीं पीता। आमिर खान को एक बार मैंने पूछा था ईमेल से, क्या तुम कोका कोला पीते हो? वो कहता मैं नहीं पीता, क्योंकि ये पीने लायक नहीं है। मैं बोला क्यों? तो उसने कहा ये एसिडिक है। मैं पूछा किसने बताया? उसने कहा मेरे डॉक्टर ने बताया। मैं पूछा कितना एसिड है इसमें? तो उसने कहा ये नहीं मालूम, आप देख लो। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया इसका एसिड चेक करो, तो पेप्सी कोला का एसिडिटी मैंने चेक किया, पीएच मीटर मैंने लाया, और वो डिजिटल पीएच मीटर लाया ताकि वैल्यू एक्यूरेट आए। डिजिटल पीएच मीटर को जब पेप्सी में डाला तो पीएच वैल्यू आया 2.4, 2.4। आपको मालूम है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये पीएच वैल्यू है 2.4। जिस एसिड से आप लेटरिन साफ करते हैं ना, संडास, उसका पीएच वैल्यू है 2.4, और वही पेप्सी का पीएच वैल्यू है 2.4। फिर मुझे समझ में आया कि 2.4 पीएच अगर एसिड का है जिससे हम टॉयलेट साफ कर सकते हैं, वही पेप्सी कोक का है, तो पेप्सी कोक से भी टॉयलेट साफ होना चाहिए। और करके देखा, झकाझक साफ होता है। उस दिन से हम लोगों ने एक विज्ञापन शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और दुख की बात है कि पढ़े लिखे लोग इसको पी रहे हैं, और अकेले नहीं पी रहे हैं, घर में आने वाले अतिथियों को भी पिला रहे हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही संडास साफ करने का पानी पिलाते रहते हैं। क्यों पी रहे हैं इसको, क्या जरूरत है? ये पेप्सी कोक पी के देश को नुकसान, शरीर को नुकसान। शरीर को इतना नुकसान है, 2.4 पीएच का आप कुछ भी पिएंगे एसिडिटी बढ़ेगी, हाइपर एसिडिटी होगी, अल्सर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, कल को कैंसर होगा, मरेंगे आप। और पेप्सी कोक में जो केमिकल मिक्स करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, उनके नाम सुनो आप, उसमें मिलाते हैं मेलाथियन, जो दुनिया का सबसे खतरनाक पेस्टिसाइड है। उसमें मिलाते हैं एंडोसल्फान, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस। और अभी भारतीय वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि अमेरिका और यूरोप के पेप्सी की तुलना में भारत के पेप्सी में
450 गुना ज्यादा जहर है, ये हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। और वैज्ञानिक सरकार को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये पेप्सी कोक को बंद करो, ये जहर है। सरकार कहती है नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ एग्रीमेंट है हमारा, जहर बेचने का एग्रीमेंट। ये समस्या है। अब इसमें लुट रहा है देश, आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं हमारे शरीर। आपको मैं बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, पेप्सी की बोतल में अगर दांत डाल दो ना तो वो डिसॉल्व हो जाता है। ये दांत कभी डिसॉल्व नहीं होता। कोई आदमी मर जाए, मरने के बाद आप उसका अंतिम संस्कार करो, दांत कभी भी मरता नहीं। आदमी मर जाएगा, जल जाएगा, राख में बदल जाएगा, दांत सबके निकल आते। खड्डा खोद के जमीन में गाड़ दो, 10 साल के बाद दांत निकल आते। वो दांत को पेप्सी कोक की बोतल में डाल दो, 20-25 दिन से 1 महीने में पूरा डिसॉल्व हो जाता है। इतना खतरनाक है। हम पी रहे हैं, पैसे अमेरिका को जा रहे। तो आप बोलेंगे क्या करें, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वही निवेदन जो लोकमान्य तिलक ने 1905 में किया था, आजादी लानी है तो स्वदेशी अपनाओ। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि आजादी बचानी है तो स्वदेशी अपनाओ। पेप्सी कोक, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा सब बहिष्कार करो। पैसे बचेंगे देश के, आपके भी बचेंगे। फिर पीने के लिए अपने पास नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसमी का रस, गाय का दूध, दही की लस्सी, कुछ भी पियो। और मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सारे हिंदुस्तानी पेप्सी कोक बंद करें, उतने ही रुपए का गन्ने का रस पिए, 7,000 करोड़ रुपए किसानों की आमदनी बढ़ती है। किसान करोड़पति होते हैं जो गन्ना पैदा करते हैं। हमारी आदत बदलनी है हमको, तो देश का भला हम कर सकते। ऐसे ही कुछ और आदतें बदलो। फालतू जो विदेशी सामान हम खरीदते हैं सवेरे से शाम तक, टूथपेस्ट घिसते हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, किसी भी पढ़े लिखे आदमी को मैं पूछता हूं कॉलगेट ही क्यों करते हो, कहते हैं जी बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? कहते इसमें झाग बहुत बनता है। तो झाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है, झाग तो डिटर्जेंट पाउडर में भी बनता है, शैंपू में बनता है। शैंपू ही रगड़ लिया करो दांतों में, जो झाग ही चाहिए आपको। अब पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम कि ये झाग बनाना क्वालिटी है या नहीं है। झाग बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो कैंसरस है। दुनिया के हर देश में उसको बैन किया गया है। तो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं फिर ये? अमेरिका में कभी आपको जाने का मौका मिले, आप जाइए और एक अमेरिकन कॉलगेट खरीदिए किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से। तो अमेरिकन कॉलगेट पर आप देखेंगे स्टैट्यूटरी वार्निंग प्रिंट होती है अंग्रेजी में। वो लिखते हैं कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उस वार्निंग में नीचे लिखते हैं प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, 6 साल से कम बच्चे को नहीं देना क्योंकि उसे बच्चे चाट लेते। फिर दूसरी वार्निंग लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेशन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर, माने गलती से किसी ने पेस्ट किया तो हॉस्पिटल लेके जाना। फिर तीसरी वार्निंग होती है इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज, अगर आप बड़े आदमी हैं तो ब्रश पर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में पेस्ट लेना। क्यों? कैंसरस है। भारत में क्या होता है, टीवी में विज्ञापन दिखाते हैं ब्रश भर भर के पेस्ट लेना, जल्दी मरना। और अमेरिकन कॉलगेट और इंडियन कॉलगेट में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिकन कॉलगेट में पता है जहां से कॉलगेट निकलता उसका माउथ जो है ना बिल्कुल छोटा है, और यहां इतना बड़ा कर रखा जरा सा दबाव पूरा भर जाता है, क्योंकि उनको जल्दी बेचना है और आपको जल्दी मरना है। छोड़िए इस कॉलगेट क्लोजअप को। फिर आप बोलेंगे दांत कैसे साफ करें, नीम का दातुन जिंदाबाद, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं, गांव गांव मिलता है, गली गली मिलता है। बबूल का दातुन, नीम का दातुन, करंज का दातुन, पाकड़ का दातुन, सब तरह के दातुन है, पेस्ट की जरूरत क्या? और दातुन से दांत जितने साफ होते हैं किसी से नहीं होते।
और दांत जितने मजबूत होते हैं दातुन से, वो किसी से नहीं होते। तो दातुन करिए, नहीं तो दंत मंजन करिए। आपके पैसे बचाइए, देश के पैसे बचाइए। ऐसे ही मेरा निवेदन है कि ये फालतू विदेशी शेविंग क्रीम क्यों लगाते हैं, पामोलिव, ओल्ड स्पाइस, रेस्मिक। आप कहते हैं जी दाढ़ी बनानी है, दाढ़ी बनाने के तो 20 तरीके हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। हम शेविंग क्रीम लगा के दाढ़ी बनाते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये आपकी स्किन लगातार हार्ड होती जाती है, रफ होती जाती है, और रफनेस एक समय इतनी बढ़ जाती है कि दो बार तीन बार शेव करो तो भी क्लीनिंग नहीं आती, क्योंकि वो शेविंग क्रीम ऐसी है, उसमें केमिकल ऐसे हैं। क्यों लगा रहे हैं, बंद कर दो। फिर आप बोलोगे दाढ़ी कैसे बनाए, दूध से बनाओ। थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे मालिश करो, एकदम चिकनाहट आ जाएगी। फिर रेजर चलाओ, बहुत क्लीन शेप बनती है। दही ले लो, दही, दही को लगाओ, फिर रेजर चलाओ, और भी अच्छी शेप बनती है। तेल ले लो, तेल, एक बूंद तेल पानी में मिला के चेहरे पे लगाओ, फिर रेजर चलाओ, डीप कट होता है, बहुत क्लीन शेप होती। दूध से दाढ़ी बनाए ना, बहुत मजा आएगा। क्यों, दूध जो है ना क्लींजिंग एजेंट है। आपको मालूम है सारे ब्यूटी पार्लर्स में मिल्क क्लींजिंग ही किया जाता है। आप रोज दूध से दाढ़ी बनाएंगे, सारी गंदगी निकल जाएगी, चेहरा चमकेगा, स्मार्ट हो जाओगे आप सब फोकट में। कल से ही शुरू करो। मैं तो बहुत समय से करता हूं, दूध से दाढ़ी बनाता हूं, आप भी करो। पैसे आपके बचेंगे, अल्टीमेटली देश के बचेंगे। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आमदनी बढ़ानी है तो खर्चे को घटाना सबसे आसान तरीका है। आप जितना खर्चा घटाएंगे आमदनी उतनी ही बढ़ जाएगी देश की। तो अपनी जिंदगी के छोटे छोटे खर्चे घटाओ, देश का बड़ा खर्चा अपने आप घट जाएगा। शेविंग क्रीम फालतू खर्च मत करो, दूध से दाढ़ी बना लो, दही से बना लो। और आपको तो मालूम है हम दूध से शंकर भगवान को स्नान कराते हैं, तो दूध से दाढ़ी क्यों नहीं बना सकते। जब ईश्वर स्नान करते हैं तो हम तो दाढ़ी बना ही सकते हैं ना। और मेरी तो एक और विनती है, फालतू खर्चे मत करो साबुन लगाने में, बाथ सोप, टॉयलेट सोप जो आप लाते हो ना, फालतू है। क्योंकि जितने साबुन आप लगाते हो त्वचा पे, सब रफनेस लाते, त्वचा को रूखा ही बनाते हैं। आप साबुन लगा के नहाओ, 10 मिनट के बाद नाखून से ऐसे लाइन खींचो, सफेद रंग की लाइन खींचेगी। क्या हुआ, स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो साबुन सब सुखा देता है। अब त्वचा का तेल सूख गया तो त्वचा रूखी हो गई। अब आपको कोल्ड क्रीम लगानी पड़ेगी, तो पहले साबुन लगाओ, त्वचा को रूखा बनाओ, फिर कोल्ड क्रीम लगाओ, फिर उसको गीला करो। क्या मूर्खता में फंसे हुए, साबुन ही मत लगाओ ना। तो कैसे नहाए, चने के आटे से नहाओ, बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से नहाओ। बेसन ले लो, दूध में मिला के पेस्ट बना के रगड़ के लगा लो, मुल्तानी मिट्टी रात में भिगो दो, सवेरे लगा के नहा लो, और या दूध से नहा लो। हमारे देश में बुजुर्गों के पांव छुओ तो आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, तो कुछ तो मानो उनकी बात। कभी किसी बुजुर्ग ने ऐसा बोला, लक्स लगाओ पूतों फलो, लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो। सब बुजुर्ग कहते हैं दूधो नहाओ पूतों फलो, तो दूध से नहाओ। और हम महाशिवरात्रि को शंकर भगवान को दूध से नहलाते हैं, तो हम क्यों नहीं नहा सकते। और मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सारे हिंदुस्तानी जो दूध से नहाने लगे तो दो फायदे होंगे। पहला फायदा, स्किन की रफनेस सबकी खत्म, तो किसी को भी सोराइसिस नहीं होगा। क्योंकि सोराइसिस होने की पहली कंडीशन है कि आपकी त्वचा में रफनेस होनी चाहिए, तब सोराइसिस होता है। फिर इचियोसिस नहीं होगा। सोराइसिस इचियोसिस ना हो तो लाखों करोड़ों का जो खर्चा कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए वो नहीं करना पड़ेगा। और दूध से नहाना शुरू करें तो गंदगी निकलेगी, क्योंकि दूध सबसे अच्छी क्लींजिंग करता है। गंदगी निकलेगी, त्वचा साफ रहेगी, त्वचा के रोग नहीं होंगे। और दूध से नहाएंगे तो बिक्री दूध की बढ़ेगी, तो मुनाफा किसानों को मिलेगा। कितने फायदे हैं, आप करो कल से ये, दूधो नहाओ पूतो फलो। फालतू खर्चे कम करो, मेरे कहने का एक ही मतलब है। फालतू में कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं हम, वो बंद कर दो।
फेयर एंड लवली यूज करते हैं बहुत सारे हिंदुस्तानी, और एक ही तर्क है कि इससे गोरापन आता है। फेयर एंड लवली को मैंने एक भैंस को लगा के देखा 4 साल, वो अभी भी काली की काली। कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे, काला काला है गोरा गोरा है, क्रीम से कोई नहीं होता। अगर जो क्रीम लगा के काला गोरा होने लगता तो अफ्रीका में तो कोई काला नहीं रहना चाहिए। ये मूर्ख बनाने वाले विज्ञापनों को देखकर आप सामान खरीदना बंद कर दो। तो होगा क्या इससे? मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा कि टेलीविजन के एडवर्टाइजमेंट जो हम देखकर खरीदना बंद करें सामान, तो देश का 2,32,000 करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं, और जितनी आपने बचत की उतनी ही आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो आपके व्यक्तिगत जीवन में आप स्वदेशी व्रत का पालन करो, स्वदेशी धर्म का पालन करो, तो वही रास्ते पर हम चल पड़ेंगे जिस पर कभी गांधी जी चले थे, तिलक चले थे, हम भी वही रास्ते पर चल पड़े। अंतर इतना ही है कि उन्होंने आजादी लाने के लिए यह रास्ता अपनाया था, हम आजादी बचाने के लिए ये रास्ता अपनाना चाहते हैं। आजादी को खतरा पता है किस बात से है? एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और आजादी चली गई थी, अब 5,000 विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं, आजादी फिर जा सकती है। इसलिए हमें ये करना है। अब आप ये पूछोगे पता कैसे चलेगा कौन सा सामान विदेशी कौन सा स्वदेशी? तो हम लोगों ने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक पुस्तक बनाई है, उसका नाम है जीवन दर्शन। वो पुस्तक आप ले लो, हर जगह मिलती है, पतंजलि योग पीठ, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान के सब जगह मिलती है। आप उस पुस्तक के पीछे के पन्नों को देखोगे तो उसमें लिस्ट है कौन सी वस्तु विदेशी कौन सी स्वदेशी। वो लिस्ट को आप जेरोक्स करा के घर में लगा के रखो, और जब भी बाजार जाओ तो देख कर जाओ कि एक भी विदेशी माल हमारे घर में ना आए, जितना संभव है हम स्वदेशी का पालन करें। जिंदगी में एक सिद्धांत आप बना लो, बी इंडियन बाय इंडियन, भारतीय बनो, भारतीय वस्तुओं का ही उपयोग करो। तो ये सिद्धांत आपको भी मदद करेगा, देश को भी मदद करेगा। तो ऐसे कुछ काम हमें करने हैं भारत स्वाभिमान की मदद से। स्वदेशी आंदोलन चलाना है, शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, राजनीतिक व्यवस्था को बदलना है, करप्शन को ठीक करना है, हमारे कानूनों को बदलवा के नए कानून बनाने हैं। ऐसे 9 काम करने के लिए ये भारत स्वाभिमान हमने बनाया। आप इसमें हमारी मदद करें। मदद कैसे हो सकती है? हम भारत स्वाभिमान में इस समय मेंबरशिप कैंपेन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बना रहे हैं। हमारा टारगेट है 5 करोड़ लोगों की सदस्यता। राजनीतिक दलों से ज्यादा हमारे पास मेंबर होने चाहिए ताकि हम उनको कंट्रोल कर सकें और उनको डिक्टेशन दे सकें। उसमें आपकी मदद चाहिए। आप जितनी जल्दी इस मेंबरशिप कैंपेन में मदद करेंगे हमारा काम उतना ही जल्दी होने वाला है। मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी भी नहीं कर सकते, लेकिन आप सब लोग मिल जाएंगे तो जरूर ये काम हो सकता है। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति होती, तो आप हमारे इस संगठन की शक्ति बने। ये बात अपील के रूप में मैं आपसे कहने आया। आप इस संगठन के लिए फॉर्म ले लें, स्थानीय समिति के पास इसके फॉर्म मौजूद हैं, वो भर के आप जमा कर दें। 51 रुपए की मेंबरशिप फीस है, कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, आप साधारण मेंबर हो सकते हैं। विशेष सदस्य बनना है तो 1100 रुपए की फीस है, वो आप देंगे तो ट्रस्ट में जाएगी और ट्रस्ट के ही काम में आएगी। और आप जब मेंबर हो जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग देने के लिए हरिद्वार बुलाया जाएगा, स्वामी जी खुद आपको ट्रेनिंग देंगे, और अगर वहाँ ट्रेनिंग नहीं होगी तो यहाँ आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग दे के आपको तैयार करना है, फिर आप गांव गांव जाएंगे, ये सब बातें लोगों को सिखाएंगे। बहुत जल्दी चेन रिएक्शन इस देश में शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्दी ये ताकत खड़ी हो जाएगी, और बहुत जल्दी हम वो सपना पूरा कर पाएंगे जिसके लिए हमने ये अभियान शुरू किया है। आपकी मदद चाहिए, आपकी ताकत चाहिए। तो यही कहने के लिए मैं आया। अगर आप हमारे इस संगठन में जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप नहीं भी जुड़ेंगे तो भी हमको खराब नहीं लगेगा, दूसरे जुड़ेंगे। हम बहुत स्पष्ट हैं, हमारा मानना है कि आप अगर हमारे साथ आते हैं
तो ये काम जल्दी होगा, नहीं आते हैं, काम तो होगा, थोड़ी देर में होगा, बस इतना ही है। आप जुड़ जाएंगे तो अपने बच्चों को गर्व से कहेंगे कि आजादी की लड़ाई तो हमने नहीं लड़ी, लेकिन आजादी बचाने की लड़ाई जब चली थी तो हम भी उसमें शामिल थे। तो बच्चे आपका सम्मान करेंगे। नहीं जुड़ेंगे तो आपके बच्चे आपको गालियां देंगे कि तुम क्या कर रहे थे जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। तो अपने बच्चों के सामने आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, अपने पड़ोसियों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसके लिए आप इसमें जुड़िए। लोग तो बहुत हैं जो जुड़ेंगे, आप निमित्त बन जाएंगे, काम तो होने ही वाला है, क्योंकि ईश्वर की योजना है, ये काम होना है। ईश्वर अगर आपको निमित्त बनाता है तो आपके लिए धन्यवाद है, नहीं तो किसी और को निमित्त बनाएगा। नदी का प्रवाह रुकता नहीं है, वो सनातन चलता रहता है। आपकी ताकत कितनी है अंजुली भरने की, ये आप पर निर्भर है। तो मैं तो आया आपको स्टैंडिंग ऑफर देने के लिए, आप आइए हमारे इस अभियान में जुड़ जाइए, हम कुछ कर रहे हैं, आप भी लग जाइए, आपको भी संतोष होगा, हमें खुशी होगी। तो ये अभियान आपका है, हम सब इस अभियान को कामयाब बनाएं, सफल बनाएं, सार्थक बनाएं, ऐसी भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो कुछ मैंने कहा वो आप दूसरों को भी कहें तो और अच्छा हो, मल्टीप्लाई होना चाहिए। और आप ये कहने के लिए, दूसरों को कन्विंस करने के लिए चाहें तो मेरे व्याख्यान के सीडीज ले जाएं, पीछे हमारे कुछ सहयोगी हैं, उनके पास मेरे कुछ MP3 फॉर्मेट के सीडीज हैं। एक सीडी में 20 घंटे का भाषण है, ऐसे 5 सीडी हैं, अलग अलग विषय पर व्याख्यान है, आप ले जाइए। किसी भी सीडी पर मेरा कॉपी राइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है, क्योंकि मैं मानता हूं ज्ञान पर मेरा अधिकार नहीं है, सभी का अधिकार है। मैंने कहीं से ज्ञान लिया, आपको दिया, आप मुझसे लेके किसी और को दे दो, यही भारत की परंपरा है। हम ज्ञान को पेटेंट नहीं कराते, हम सबके लिए खोल के रखते। मैंने ये ज्ञान पाने में सालों साल लगाए हैं, अध्ययन और अभ्यास में। आप उसको 2-3 घंटे में समझ के दूसरों को समझाएं तो आप मुझसे भी ज्यादा काम कर पाए, क्योंकि आपका अध्ययन और अभ्यास का उतना समय बच जाएगा। तो आप वो सीडी ले जा सकते हैं, कि आपके पास है सीडी, पीछे है, आप ले जाइए, कॉपी करिए, दूसरों को दीजिए, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और जिसको कॉपी करें उसको कहिए तुम कॉपी करके किसी और को दो, ऐसे उसको फैला दो।